writers with whose stories we grew up who became our moral compasses characters that became our friend and guide towards the change we all wish to see in the world someone has rightly said that the greatness of any culture is defined by what art it gives birth to at radio talkies it is our humble effort to save what we still can of art in the fast-disappearing world of literature in our series of masterclass, today we bring to you Mridula Garg. Mridula Garg's name needs no introduction. She arose as a shining star and spearheaded the feminist movement post 80s and 90s. For her work, she was awarded India's highest literary honours, which include Vyas Samman for katgulab and Sahitya Academy Samman for Miljulman. हमारे घर की खास बात ये थी कि हम हमारे यहाँ या, या राजनीति पर बात होती थी जिसका मतलब था आज़ादी का आंदोलन और या साहित्य पर बात होती थी हमारे यहाँ ये बातें नहीं होती थी कि फला ने ये पकाया या ये कैसे पकता है या फला की ननद ने ये किया कि पड़ोसी ने ये किया तो ये सब जिसको गॉसिप कहते हैं वो सब बातें होती ही नहीं थी हमारे यहाँ एक बहुत लंबी सी खाने की मेज़ थी क्योंकि हम छः बच्चे थे फिर माँ पिताजी और कोई ना कोई चाचा हमारे यहाँ रहता ही था और एक दो और मेहमान आए ही रहते थे तो हमारे यहाँ स्थाई और अस्थाई मेहमान बहुत सारे होते थे तो उसमें कोई अगर अचानक आ जाता था तो वो सिर्फ एक प्लेट और लगा दी जाती थी और कुछ ये नहीं होता था कि ख़ास बनाया जाए या कुछ किया जाए जो हो उसमें बस मेहमान नवाजी हो जाती थी और हम लोग कई भाषाएं बोलते थे मतलब पिताजी तो उर्दू फारसी अंग्रेजी मेरी माँ भी उर्दू जानती थी पढ़ लेती थी और उर्दू उन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर जब उनके भाई को मौलवी पढ़ाने आते थे तो चोरी छिपे उन्होंने उर्दू सीखी थी तो उर्दू अंग्रेज़ी हिंदी आ, में साहित्य पढ़ा जाता था और उसके अलावा रूसी बंगला साहित्य सब अनुवाद में बहुत पढ़ा जाता था और बात की जाती थी और मतलब माँ का तो ये हाल था कि वो वैसे भी खाना वाना वो बनाती ही नहीं थी रसोई में वो कभी गई ही नहीं थी करीब करीब और वो किताबें पढ़ती थी बहुत ज़्यादा अगर बहुत ही खाना ख़राब बने किसी दिन तो हम समझ आते थे कि कोई बहुत बढ़िया उपन्यास पढ़ रही हैं इसलिए वो बताने ही भूल गई हैं कि क्या बनेगा तो मतलब इस तरह का माहौल था कि जो पारंपरिक किसी हाल में भी नहीं था और मज़े की बात ये थी कि माँ का रसोई में न जाना खाना न बनाना बच्चों को ना देखना असल में उन्हें बच्चों को ख़ास पसंद ही नहीं थे हम छः बच्चे थे मगर पिताजी ने ही हमें पाला करीब करीब और जैसे अमूमन कहते हैं कि वो दादी नानी ने कहानियाँ सुनाई तो हमें सब कहानियाँ मर्दों ने सुनाई एक हमारे फूपा जी हमारे यहाँ रहते थे अक्षय कुमार जैन वो काफ़ी मशहूर पत्रकार और लेखक भी थे तो वो हमें रोज महाभारत या रामायण में से कहानी सुनाते थे एक और एक हमारे चाचा रहते थे जिनको सब जगत चाचा थे करीब करीब और उन्हें जुग्गी चाचा कहा जाता था हालांकि उनका एक अच्छा सा जोगेंद्र प्रसाद नाम था मगर वो जुग्गी चाचा के नाम से ही जाने जाते थे उन्होंने ही हमें मतलब सब कुछ करतब करने जिंदगी के सिखाए और रोज़ हमें एक भूतों की कहानी सुनाते थे रात को हम इतना डरते थे कि उठ के हम बाथरूम नहीं जा पाते थे मगर उसका इतना में आकर्षण था कि अगली रात हम फिर पहुंच जाते थे उनके पास कहानी सुनने तो हमारी जैसे शुरुआती वो महाभारत और रामायण की कहानियाँ हमारे भीतर रच बस गई थी और बहुत से साहित्यकार हमारे घर आते थे जिनमें जैनन जी भी थे और मेरी माँ बीमार रहती थी और वो बिस्तर पर रहती थी मगर वो बिस्तर के आसपास ही मजरस लगा करती थी संगीत की और साहित्य की और जब जैनन जी बहुत दुरूह माने जाते थे लेखक बतौर लेखक और उनका एक ख़ास अंदाज़ था वो अपनी बात कह के काफ़ी देर तक फिर कहते थे बात तो एकदम सीधी है और वो सीधी बिल्कुल नहीं होती थी तो कोई ज़रूर कहता था कि जैनन जी कहें और बात सीधी हो ये तो नामुमकिन है मगर उनकी बात पूरी तरह मेरी माँ की समझ में आती थी और क्योंकि हमने बहुत कम उम्र में जैनन जी को पढ़ा तो हमें भी जैनन जी उतने दुरूह नहीं लगते थे जितने और लोगों को लगते थे और जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे दोस्त वोस्त तो थे नहीं मेरी कुल जमा एक सहेली थी स्कूल में जो मुझे हर रविवार पिक्चर दिखाने ले जाती थी मतलब उसका पास उसके माँ बाप ने उसके लिए एक टोंगा रखा हुआ था और वो उस टोंगे में मुझे लेकर तांगे में और मुझे पिक्चर दिखाने ले जाती थी उसके अलावा कोई ख़ास हमारा कोई दोस्ताना किसी से था नहीं बस मैं हर वक्त किताब पढ़ती थी और मैंने बहुत कम उम्र में बहुत जिसको जटिल किताबें पढ़ी थी जैसे नौ साल की उम्र में मैंने ब्रदर्स कैरामजोक पढ़ा था और उसके बाद तरह तरह की किताबें मैंने पढ़ीं एक उसमें बड़ी दिलचस्प घटना हुई कि हमारे पड़ोस के लड़के एक लाइब्रेरी चलाते थे जो ज़्यादातर डोनेट की गई किताबों के भरोसे चलती थी तो वहाँ से एक दिन मैं एक किताब लाई जिसके पहले दो पन्ने फटे हुए थे इसलिए वो किताब का ना नाम पता चला ना लेखक का नाम पता चला मगर किताब मुझे कुछ उसने इतना ज़्यादा मुंह पाश में बांधा कि मैं तीन चार बार मैंने उसे पढ़ा और इस किस्से में मैंने देर से लौटाई किताब मगर ये मुझे कभी नहीं पता चला कि वो क्या किताब थी फिर जब मैं बड़ी हो गई लिखने लगी लेखक बन गई और फिर दिल्ली आई तो हिंदी के तमाम लेखक हर वक्त कामू के द आउटसाइडर की बात करते थे हालांकि उस समय हिंदी के लेखक उसे कामस कहते थे तो मैंने कहा भाई ये क्या किताब है जिसके बारे में तमाम दुनिया बात करती रहती हर वक्त तो मैंने बाकायदा ख़रीदी किताब तो जब पढ़ी पहले पन्ने तो मैंने कहा तो वही किताब है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और इन्होंने अब जाकर पढ़ी है तो ये जो मेरा बचपन है वो किताबों के साथ गुजरा और इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं था हमारे घर में हम पाँच लड़कियाँ थीं जिनमें अब तीन लिखती हैं किसी को कोई जल्दी ही नहीं थी कि हमारी शादी भी होगी बात ही नहीं करता था कोई सिर्फ पढ़ने की बातें करते थे तो मंजुल जो मेरी मंजुल भगत मेरी बड़ी बहन है उन्होंने एक दिन कहा मेरा घर का नाम उमा है बाद तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे उमा ऐसे तो हमारी शादी ही नहीं होगी यहाँ तो हमारी कोई बात ही नहीं करता शादी की भाई हम शादी भी तो करेंगे ना तो उन्होंने खैर मामला सुलझा लिया उन्होंने प्रेम कर लिया तो फिर उनका प्रेम विवाह हो गया मगर मेरी तो बिल्कुल तयशुदा शादी हुई आ, मैं इतनी देर में मतलब शादी के लिए मेरे भीतर दिलचस्पी जागी कि समझो अभी शादी करनी है तो मेरे पिताजी के पास बहुत सारे नौजवान आते थे अपनी करियर के बारे में पूछने आम सवाल करने जिंदगी के बारे में बातें करने तो हमारा उनसे खूब मेल जोल था हम उनसे बाकायदा मिलते जुलते थे हमारे यहाँ ये कुछ नहीं था कि भाई लड़कों से नहीं बात करनी या कुछ कुछ नहीं था तो उन्हीं में एक उन्हीं सब नौजवानों में एक आनंद भी थे जिनसे मेरी शादी हुई तो उस तरह मैं उनसे मिली और मगर कोई मतलब वो प्रेम विवाह नहीं था तयशुदा विवाह था मगर तय उन्होंने खुद किया था उनके माँ बाप ने नहीं किया था उन्होंने और मेरे पिताजी ने समझ लो कि तय किया था एक तरह से और फिर मेरी रजामंदी हुई थी तो हमारे यहाँ बहुत ही बहुत ज़्यादा लिबरल उदार एक परिवेश था मतलब पिताजी हमको ज़्यादातर उर्दू या अंग्रेज़ी के रिसालों में से या किताबों में से पढ़कर सुनाया करते थे जिसमें इसमल चुगताई की शरीर बीवी भी थी और शेक्सपियर के सोनेट्स भी थे और एक बार जो बार बार वो कहते थे वो ख़ुद हमें वो चीज़ें सुना सुनाते थे पढ़ के जिनको अमूमन ऑप्सिन कहा जाता है और वो हमेशा कहते थे कि साहित्य में अश्लील कुछ नहीं होता या तो वो साहित्य नहीं होता या वो अश्लील नहीं होता तो ये बात तुम समझ सकती हो कि भीतर तक मुझे प्रभावित कर गई थी और हम सभी बहनों ने ये मानकर हम चले कि साहित्य में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कहा नहीं जा सकता बहुत सारी चीज़ें रंगमंच पर निषिद्ध होती हैं वर्जित होती हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार क्योंकि वो एक समूह के सामने प्रदर्शित की जाती हैं मगर किताब लेखक और पाठक का रिश्ता करीब करीब वही है जो शयन कक्ष में प्रेमी और प्रेमिका का होता है क्योंकि वो नितांत अकेले होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं तो ये हमारी एक तरह से जो परवरिश थी उसमें ये शामिल था फिर स्कूल का मेरा काफ़ी मज़ेदार रहा किस्सा क्योंकि मैं तीन साल स्कूल नहीं गई पाँचवीं छठी सातवीं क्लास में मैं हर साल मुझे टाइफाइड हो जाता था फिर मैं स्कूल नहीं जाती थी मगर इम्तहान दे देती थी और इम्तहान में पास भी हो जाती थी तो अगली क्लास में मुझे भेज दिया जाता था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल भी खासी खिसकी हुई थी तो मगर फिर जब मैं आठवीं क्लास में गई तब वो एक वो जो होता है ना दाखिला के लिए जो इम्तहान लिया जाता है वो ज़रूर उन्होंने दोबारा लिया कि भाई तीन साल हो गए अब कम से कम तुम एक छोटा सा इम्तहान तो दे दो तो उसके बाद मैं आगे मेरी पढ़ाई हुई उसमें कुछ बातें मैं लिख चुकी हूँ उनके बारे में नहीं बोलूँगी मगर एक बात जो बहुत मज़ेदार थी और इसने मेरे जीवन में दो बातें हुई ऐसी जिसने मुझे मेरे जीवन को प्रभावित किया एक तो ये थी कि जो हमारी हिंदी की टीचर थी अब तुम जानती होगी कि हिंदी की टीचर को हमेशा बहन जी कहते हैं अब पता नहीं क्यों कहते हैं भाई सबका नाम होता है उनको हम नाम से बुलाते हैं मिस गुप्ता मिस दास गुप्ता मगर हिंदी की टीचर बहन जी कहलाती हैं और ये जो हमारी बहन जी थी वो सिर्फ मुझसे नहीं सबसे नाराज़ रहती थी उनका मतलब रवैया ये था कि वो सबसे ही नाराज़ रहती थी तो एक दिन मुझसे कुछ खा, खास तौर पर नाराज़ रहती थी तो एक दिन उन्होंने हमें कहा कि इस बार मैं तुम्हें जो आमतौर पर निबंध लिखवाए जाते हैं वो नहीं लिखवा रही हूँ मैं तुम्हें एक बहुत अलग तरह का विषय दे रही हूँ तो उन्होंने कहा एक भिकारी की आत्मकथा लिखो। उन्होंने कहा भाई चलो कुछ तो फ़र्क है ना गायब बैल या माँ माँ पर लिखने से या मेरी गर्मियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बीती ऐसी चीज़ों से तो फर्क है तो मुझे कुछ मज़ा भी आया इसे लिखने में और मेरा भिकारी जो था वो एक लेखक था वो रात में लिखता था दिन में भीख मांगता था क्योंकि लेखन से तो पैसा आता नहीं था तो वो दिन में भीख मांगता था भीख से काफी पैसा आ जाता था और रात में लिखता था तो बहन जी तो बिल्कुल आग बबूला हो गए, कहती आपने तो दोनों की बेजती की है लेखक की भी और भिखारी की भी मैंने कहा बहन जी तार्किक बात है कि एक की बेजती की जा सकती है दोनों की कैसे हो सकती है तो कहने लगे आप, आप टीचर से भी बेज टीचर की भी बेजती कर रही हैं फिर उन्होंने कहा आपकी सज़ा ये है कि आप ये कहानी पढ़कर क्लास में सुनाए ठीक है हमने सुना दी लड़कियों को बहुत पसंद आई तो बहन जी और नाराज हुई फिर हमें प्रिंसिपल के पास ले गई तो प्रिंसिपल को भी पसंद आई कहानी तो वो तो खैर थोड़ी खिसकी हुई थी जैसे तुम मैंने कहा पहले तो मेरी समझ में ये बात आई कि जो गुरु होता है अपने को गुरु कहता है उसमें आलोचक भी आता है समीक्षक भी आता है वो महत्वपूर्ण नहीं होते पाठक महत्वपूर्ण होता है तो उन लड़कियों ने सुनी कहानी उन्हें पसंद आई तो यही वाजिब सही बात थी याद रखने लायक जो गुरु ने कहा उसे भूल जाओ तो इसलिए मैं मैंने एक तो लिखने की बदतमीज़ी की और उसमें बहुत लोगों की बेइज्जती हुई और दूसरी ये कि मैं कभी आलोचकों से नहीं डरी तो ये बहन जी को इसका क्रेडिट जाता है दूसरी घटना भी मेरे जीवन को उसने बहुत प्रभावित किया एक तरह से मेरा जीवन बनाया उसने वो यही था कि हमारी अंग्रेजी की जो टीचर थी वो नाटक करवाया करती थी और मैं वैसे तो सब ठीक ठाक थी मगर मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त नहीं थे और मैं थोड़ा विश्वास नहीं होगा मगर मैं थोड़ी शर्मीली किस्म की थी बचपन में और जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता था तो मैं छुप जाती थी इसलिए अगर वो कोई तोहफे लाता था तो मेरा तोहफा भी मंजुल ले लेती थी तो इन्होंने मिस अंसारी उनका नाम था तो उन्होंने एक दिन घोषणा वो क्लास में की वो तो मैं ज़्यादा सुनती नहीं थी कि टीचर क्या कह रही है कि क्लास के बाद नाटक के लिए सब लड़, कुछ लड़कियों का नाम उन्होंने बोला वो चलें और वो मतलब ऑडिशन होगा नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस होने वाला था उसका एक दृश्य तो मैंने खास ध्यान भी नहीं दिया मैं बैठी रही तो जब क्लास खत्म हुई तो उन्होंने कहा भाई मृदुला जैन जैन थी तब मैं कि मृदुला जैन चलिए मैंने कहा कहाँ चले कहने लगी वो नाटक के लिए ऑडिशन करना है मैंने कहा मैंने मैं करूँगी मैंने कहा मैं नहीं कर सकती तो उन्होंने कहा ये तो हजूर करना होगा तो खैर मैं गई बहुत ही रोती पीती मन में कि भई मैं कहाँ मैं कैसे मंच पर जाकर बोलूँगी तो खैर जब जितनी देर और लोग बोले या किया उतनी देर में मुझे सारे संवाद रट गए पोशिया के लिए मुझे करना था पोशिया जमा जितने भी किरदार थे सबके संवाद मुझे रट गए थे और फिर मैं मंच पर गई मंच पर जाते ही मेरा मेरी पूरी शख्सियत बदल गई एक तो ये था कि मुझे कम दिखता था मेरी आंखें कमज़ोर थीं और किसी को पता नहीं था तो चश्मा मैं नहीं लगाती थी, थी तो जैसे मैं मंच पर चढ़ी मुझे सब दिखने बंद हो गए मतलब मुझे दर्शक तो दिखते नहीं थे और मुझे लगा कि मैं पोष हूँ और मैंने धड़ाधड़ जो बोलना शुरू किया संवाद उसका और अगर कोई भूल जाए तो उसको भी मैं याद दिला दूँ उसका संवाद तो मैं जब नीचे उतरी तो सब भौचक और खैर खैरपुत तालियाँ वालियाँ बजाई लड़कियों ने तो मिस संसारी कहने लगी हाँ मुझे मालूम था कि आप बहुत अच्छा अभिनय करेंगी इसीलिए मैंने आपसे कहा मैंने कहा वाह मुझसे अच्छी अभिनेता तो आप हैं आप तो मुझे इसलिए यहाँ बुला के लाई थी कि मुझसे वो मुझे लगता वो उन्हें लगता था मैं बहुत बदतमीज़ हूँ तो उन्हें लगा कि भाई इस तरह इसको थोड़ा समझाया जाए कि ये इसकी औकात क्या है तो खैर उसके बाद उन्होंने मुझे वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वगैरह होता है उसमें वो मुझे मैंने हिस्सा लिया और उसमें पुरस्कार वगैरह भी मिल गया वो तो खैर बहुत छोटी बात है मैंने अभिनय ज़िंदगी का मकसद बनाया नहीं और ना मैंने पेशे की तरह उसको चुना मगर एक बात मेरी समझ में आ गई कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना मुश्किल लगे तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप नाटक में हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो मंच पर हो रहा है असल में नहीं हो रहा जो जिंदगी की बड़ी से बड़ी त्रासदी मैंने ऐसे ही झेली कि ये नाटक का दृश्य है बीत जाएगा और जब मैं खुद बीमार हुई कभी और मान लो कहीं जाना हुआ तो ये वाकई भी कैसे जाओगी तो मैं ये सोच लेती थी कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है कल आएगा नहीं तो इसलिए आज जो भी होगा उसका कोई महत्व नहीं है तो इस ये दो जो थे मेरे ये फलसफे थे ज़िंदगी के जिसके सहारे मैंने ज़िंदगी का ली तो इसलिए मैं मिस अंसारी की बहुत ही ममनू हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा गुर दिया जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बितलाई बिताई कि नाटक है बीत जाएगा नहीं तो एक बार ज़रूर बतलाना चाहूँगी कि हमारी हिस्ट्री की जो टीचर थी मिस दास गुप्ता वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी उनके आज़ादी के आंदोलन में मतलब उन्नीस सौ बयालीस में उनके उनके मंगेतर उनके भाई बहुत सारे लोग मारे गए मर गए थे उस आंदोलन के दौरान और वो आ, बहुत ही मतलब सख्त किस्म की थी और हम उनसे बहुत डरते भी थे और आ, पीछे हम उनका मज़ाक भी उड़ाते थे आ, मगर आ, वो मतलब हर वक्त मतलब आज़ादी के आंदोलन की बातें करती थी एक बार ब्रिटिश काउंसिल से कुछ लोग हमारे यहाँ कुछ इतिहासकार हम उन्होंने हमारे स्कूल में आए तो कुछ डोनेश काफ़ी लंबा बड़ा बड़ी रकम थी जो वो देने वाले थे स्कूल को तो ये हुआ कि एक इतिहास की क्लास ले जाए जिसे वो देखें सुने गुने कि भाई ये स्कूल इस लायक है कि नहीं तो मिस गुप्ता ने क्या किया उन्होंने प्रिंसिपल को भी नहीं बताया और उन्होंने ये तय किया कि वो अट्ठारह की क्रांति जिसको वो पढ़ाएंगे जिसको उन दिनों नहीं कहा जाता था वही किताब में लिखा हुआ था गदर म्यूटनी ये कहा जाता था उन्होंने वो पढ़ा उन्होंने हमसे स्कूल के बाद हमको ठहरा कर जो लड़कियाँ आर्ट में अच्छी थीं क्रोशे करा के उन्होंने चीज़ें बनवाईं उसके अंदर सिक्के डाले और जलियाँ वाला बाग की बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने बनवाईं और लगा दी दीवारों पर और वो उन्होंने पढ़ाया उससे अठारह सौ सत्तावन की और ख़ासकर उससे पहले मतलब वो और जलियावाला पाक दो उन्होंने पढ़ाए और उन्होंने अठारह सौ सत्तावन के लिए कहा कि वो आज़ादी का पहला आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम की, की पहली वो बानगी थी वो स्वतंत्रता संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम था तो वो सारे के सारे भाचक ब्रिटिश काउंसिल से जो लोग आए थे शायद इतनी तल्लीनता से इतने बड़े लोगों ने कभी लड़कियों को छात्राओं को आजा, किसी भी पाठ में हिस्सा लेते नहीं देखा था देखा होगा और उन्होंने हमें कुछ प्रश्न हमसे तैयार करवाए थे तो वो प्रश्न उन्होंने पूछे और हमने जवाब दिए तो वो भी सब इसी पर थे कि भाई क्यों वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी और क्यों जलियावाला बाग की पीछे की का इतिहास क्या था तो अकेली घटना नहीं थी तो वो जब खत्म हुआ तो उन लोगों ने कहा कि आ, क्या हमें ये सब भूल नहीं जाना चाहिए तो मिस गुप्ता ने कहा जो इतिहास भूल जाता है वो जानवर होता है वो मनुष्य नहीं होता तो ये मैं उनको खैर ब्रिटिश काउंसिल को ये क्रेडिट दूंगी कि उसके बाद हमें वो रकम मिली वो पैसा मिला ये नहीं हुआ कि भई ये यहाँ तो स्कूल में ऐसे होता है और वो मुझे जो एक आज़ादी से लगाव हुआ आज़ादी के आंदोलन से मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगाव था मतलब मेरे लिए प्रेम मोहब्बत आशिकी ये सब चीज़ें आज़ादी शब्द से छोटी थीं और तब मैं नौ साल की थी जब आज़ादी मिली और मैं पहले उसको मैं पंद्रह अगस्त पे जा नहीं पाई थी बीमार बि थी तो इसी हाल में बीमारी में ही पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कैरामजॉफ पकड़ा दिया था कि भाई तुम रोना धोना बंद करो कि तुम वहाँ जा नहीं पा रही हो और ये पढ़ो तो जब वो मैंने पढ़ा वो मुझे कुछ खास समझ में तो नहीं आया मगर वो ऐसी किताब थी कि उसके बाद आदमी रो नहीं सकता था जो भी था उसमें दिल लगा के उसको पढ़ने की कोशिश की तो ये इतिहास की टीचर का एक ये नाटक की टीचर का और ये हिंदी की बहन जी का तीनों का मेरे साथ जो भी मेरे साथ गुजरा बहुत ही जिंदगी में कारगर रहा मेरे पिताजी पहले तो आज़ादी के आंदोलन में थे तो इस वजह से वो आई नहीं बन पाए थे उनको कहा गया कि माफ़ी मांगो तो हम वो पास तो हो गए थे मगर ये कि भाई वो इंटरव्यू वगैरह के लिए जो होता था उन दिनों लड़ने जाना होता था नहीं करने दिया गया था तो फिर उसके बाद वो उन्होंने अर्थशास्त्र किया था तो वो कॉर्पोरेट हाउस में ही काम करते थे तो बिल्डर्स के संघ थे आ, और बाकी मगर वो हर क्षेत्र में उनका दखल था आ, उन जैसा जहनी आदमी मैंने शायद दूसरा नहीं देखा उन्नीस में जब चीन से लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान की तब उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये टूटेगा सोवियत यूनियन ये खत्म हो जाएगा और अगर हमने अपना इकोनॉमिक यूनियन नहीं बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन की तरह तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और ये बिल्कुल सही हुआ हम आज देख रहे हैं कि ये हो रहा है तो बहुत ज्यादा वो और सरकार उनका इस्तेमाल भी करती थी जैसे नेपाल से जब हमारे संबंध बिगड़े थे तो वो काफ़ी काम करते थे मगर वो काम के लिए उन्हें कुछ उनका नाम भी नहीं आता था वो सब एक तरह से लुके छुपे होते थे मगर जब उनकी मृत्यु हुई तो नेपाल में रेडियो से इसका उसकी घोषणा हुई थी और नेपाल के जो शाह थे उन्होंने हमें मैसेज मेसु, भी भेजा था कॉन्टोलेंस मैसेज और नेपाल के जो यहाँ राजदूत थे वो फिर बाद में उनकी पत्नी आके मेरी माँ को बहुत जगह अपने साथ ले गई थी पिताजी की मृत्यु के बाद तो उस तरह से वो काम करते थे मगर वो काम जो होता था वो गोपनीय होता था वैसे तो वो बेड़ास में थे और उनके लिए काम करते थे सबसे ज़्यादा श्रेय तो माँ का क्योंकि वो इतना पढ़ती थी वो उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि ये किताब पढ़ो मगर उनकी देखा देखी जब वो पढ़ चुकती थी तो हम पढ़ते थे मतलब वो चुपचाप उनका जो एक प्रभाव था कि साहित्य बहुत बड़ी चीज है एक इंसान जो अधिकतर बीमार रहता है संगीत का भी उन्हें बहुत शौक था और वो इतने बड़े साहित्यकारों से उन्हीं के धरातल पर बात करता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कम समझ ना समझ है या कम समझ है और वो ज्यादा समझदार है ऐसा नहीं था तो उसी तरह हमने और इतने ज्यादा लेखक मैंने पढ़े कि किसी एक का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ सबका सब, सब मिलजुल गए जिस वजह से मैं शायद बहुत कम उम्र में ही ये जो होता है ना एक बड़े लोगों का आतंक वो मेरे ऊपर कभी हुआ ही नहीं इकोनॉमिक्स नहीं, तो शुरू से मतलब पिताजी को देखते हुए और ये जो मैंने तुम्हें अपनी इतिहास की आ, टीचर का के बारे में बतलाया कि मुझे आज़ादी का आंदोलन और आ, सारा कुछ तो आर्थिक ही होता ना उसके पीछे जो भी राजनीतिक चीज़ें होती हैं उनके पीछे आर्थिक कारण होते हैं पूरे इतिहास के पीछे आर्थिक कारण हैं तो आ, वो आ, आर, पिताजी को देखकर भी हमें था कि अर्थशास्त्र पढ़े साहित्य तो कर ही सकते हैं साहित्य तो हमारी माँ इतनी रमी हुई थी साहित्य में उन्होंने तो सिर्फ मैट्रिक पास थी वो तो अर्थशास्त्र तो मैंने छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ा रही थी तीन साल बाद मैंने पढ़ाना सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मेरी शादी हो गई और मेरी शादी होके जब जहाँ मैं जा रही थी वो बहुत छोटी जगह थी डालमिया नगर बिहार में जहाँ पर तो स्कूल भी नहीं था तो ढंग का कोई तो कॉलेज कहाँ से होता जहाँ मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती तो बल्कि वो भी बड़ी मज़ेदार घटना है कॉलेज की जब मैंने अपनी हेड जो मेरी वो बहुत मुझे पसंद करती थी राव डॉक्टर राव करके एक थी बड़ी खड़ूस महिला थीं तो मैंने उनसे जब बताया कि मेरी शादी हो रही है और मैं इसलिए रिज़ाइन कर रही हूँ तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो तो मैंने कहा डालमिया मैं नगर तो उन्होंने कहा क्या बकवास है हस्बैंड शुड हैव प्लेस यूटिलिटी ऐसी जगह जाना चाहिए हस्बैंड को होना चाहिए जहाँ पर काम धाम चले तो उस वक्त तो हम बहुत हंसे इस बात पर मगर बाद में हमारी समझ में आया कि हाँ और इस पर मैंने एक कहानी लिखी थी जो मेरी मुझे मतलब मेरी पसंदीदा कहानियों में से है वो मैं ही थी उसका नाम था जहाँ जब वो प्रसव होता है उस औरत का इस छोटी सी जगह कस्बे में तो कितनी मुसीबत आती है तो ये एक तरह से हमें समझ में आया कि हाँ प्लेस यूटिलिटी होनी चाहिए हस्बैंड की तो शादी हो गई वहाँ कुछ था नहीं तो हमने छोड़ दिया फिर उसके बाद बच्चे हुए तो बच्चों में हम बहुत रम गए मेरे जीवन का केंद्र मेरे बच्चे रहे साहित्य नहीं रहा तो इनफैक्ट मैंने लिखना ही बच्चों की पैदाइश के बाद शुरू किया और जब बच्चे हुए तो कुछ एक रचनात्मक विस्फोट हुआ मेरे भीतर और मुझे समझ में आया कि जीवन में खुशी भी एक चीज़ होती है तो वो सुख सुख भी होता है और उसके बाद ही मैंने लिखना शुरू किया और जब लिखना शुरू किया तो वो बिल्कुल एक ज्वार की तरह था आ, मैं कभी कभी एक दिन में दो कहानियाँ भी लिख लेती थी तो मैंने उन्नीस सौ बहत्तर इकहत्तर बहत्तर बहत्तर में मेरी पहली कहानी छपी थी सारिका में तो उस वक्त लिखना शुरू किया उन्नीस सौ पैंसठ उन्नीस सौ सड़सठ में मेरे बच्चे हुए जब वो थोड़े से बड़े हो गए तब मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैं लिखती चली गई मैं कई कस्बों में रही दुर्गापुर में रही बागलकोट में रही कर्नाटक में उसका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने नहीं सुना होता तो वहाँ मैंने स्कूल भी चलाया क्योंकि वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था तो मैंने एक स्कूल चलाया प्राइमरी स्कूल जिसमें अंग्रेजी हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थीं और वो कुछ कुछ शांति निकेतन के अंदाज में चलता था क्योंकि कुछ बड़े बच्चे थे कुछ छोटे बच्चे थे सबको एक क्लास में डाल दिया था फिर जैसे जैसे उनकी प्रगति हुई उनको अलग क्लासों में डाला गया तो वहाँ मैंने पढ़ाया नहीं मगर मैंने वो स्कूल चलाया तो आ, अच्छा ही हुआ अर्थशास्त्र अच्छा छोड़ना मुझे रास आया बल्कि जब मैं दिल्ली लौटी तो मुझे कहा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कि एक रिफ़्रेशर कोर्स कर लीजिए और आप वापस आ जाइए पढ़ाने के लिए मैंने कहा नहीं अब तो हम उससे बहुत आगे बहुत दूर चले गए क्योंकि बिहार में हमारी समझ में आया कि जो अर्थशास्त्र हमें पढ़ाया जाता था वो यहाँ लागू नहीं होता बिल्कुल भी लागू नहीं होता तो एक अलग ही दुनिया है जहाँ जो अर्थशास्त्र के सारे उसूल हैं जो हमें बाहर से बतलाए गए हैं बाहर से है आए हैं सब जॉन रॉबिन्सन आई थी हमारे यहाँ बल्कि जॉन रॉबिन्सन के साथ तीन चार लोगों ने बोलना था उसमें एक छात्र भी बोलता था तो वो मुझे कहा गया था बोलने के लिए तो वो सब हमें समझ में आया कि जिसको ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं अविकसित या अर्धविकसित कहते हैं वो सिर्फ हाशिए में आता है उसके बारे में कोई उसूल नहीं है कोई नहीं जानता कि वो कैसे काम करता है और क्या होता है तो मेरा बहुत मोहभंग भी हुआ अर्थशास्त्र से वो बाद में हुआ जब छोड़ा तब नहीं हुआ था तब तो तब तो बल्कि मैं पीएचडी करने धारवाड़ गई थी जब बच्चे हो लिए थे तो हमने सोचा आप पी कर लेते हैं जो हमने यहाँ नहीं की थी दिल्ली में तो हमने कहा कि दाखिला ले, ले लेते हैं धारवाड़ यूनिवर्सिटी में वहाँ गए तो दुर्योग से या संयोग से हमारी मुलाकात गिरीश कर्नाड से हो गई तो उनसे हमने बहुत लंबी बातचीत हुई एक पत्रिका थी उसने कहा था आप एक साक्षात्कार ले लेना आप जाएंगी वहाँ वहीं रहते हैं तो उनसे इतनी लंबी बात हुई पता लगा ये ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड सारे में पढ़ पढ़ के आए हैं और बहुत बढ़िया मतलब रोड स्कॉलर हैं और सब कुछ हैं और लिखते हैं कन्नड़ में नाटक हैं तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा है पी करने का अगर अंततः हमें हिंदी में नाटक ही लिखना पड़ेगा मैंने सबसे पहले नाटक ही लिखा था हिंदी में हाँ फिर बाद में उपन्यास वगैरह कहानी कहानी तो पहले लिखी थी कहानी लिखी फिर नाटक लिखा बाद में उपन्यास लिखा आज का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बदतर हो गया मतलब टेक्निकल नॉलेज ठीक है पढ़ाई जाती है मगर जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज आजकल कहते हैं हमारे ज़माने में आर्ट्स कहते थे वो तो उसमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता मतलब एक बिल्कुल थोते बातें पढ़ाई जाती हैं इसलिए हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको बड़ा एक कल्चर शॉक होता है ज़बरदस्त कि भाई अपने लिए खुद सोचो टीचर कुछ भी कहती रहती है वो उसका कोई मतलब नहीं है अपने आप सोचो अपने आप लिखो अपने आप सवालों के जवाब ढूंढो बल्कि तुम्हें एक दिलचस्प घटना अपनी कॉलेज की सुनाती हूँ हमारी जो इकनॉमिक्स की हेड थी जानकी अम्मा मिस जानकी अम्मा डॉक्टर जानकी अम्मा वो बहुत ही रुबीले ऐसी धाकड़ औरत थी कि सब उनसे भय खाते थे तो वो हमें पढ़ाती थी मेरी तो वो पढ़ाती थी तो वो नोट्स देती थी तो वो नोट्स मतलब डिक्टेट कर रही थी तो मैं नहीं लिख रही थी मैं बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा यू आर नॉट राइटिंग मृदुला तो मैंने कहा नो no, मिस जान की आई हैव द बुक एट होम तो बहुत भाचक रह गई और बहुत गुस्से हुई और सब लड़कियों ने मुझे कहा तुम पागल हो उनसे ये कह रही हो कि मेरे पास किताब है इसलिए मुझे आपके नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है तो वो अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी मगर वो मेरे पीछे नहीं पड़ी वो असल में इतनी भौचक रह गई थी और उन्हें फिर ये बेबाकी इतनी पसंद आई उन्होंने मेरे अगले उसमें ट्यूटोरियल जो हम लिख के देते थे उसमें ए प्लस दिया और कहने लगी कि वैसे देना तो मैं ए चाहती थी मगर मुझे तुम्हारी शैली बहुत पसंद आई लिखने की वैसे कहती एक बात कहूँ मैं तुमसे तुम, तुम कहानियाँ लिख लिया करो उसमें तो तुम्हें किताब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो उन्होंने तंज भी कहा था मगर ये बात कई लोगों ने मुझे कही मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स ने कि तुम्हारे ऐसे पढ़ के ऐसे लगता है कि तुम साहित्य लिख रही हो तो मैंने कहा अच्छा है कि बुरा आप कहने लगे ये हम कह नहीं सकते कि अच्छा है कि बुरा मगर मतलब ये कुछ था कि भाई मैं किताब में से पढ़कर नहीं लिखती थी तो अपना कुछ उसमें डाल देती थी ज़रूर कई बार ये उसकी वजह से कम अंक भी मिलते थे कई बार ज़्यादा भी मिल जाते थे ऐसे चलता था मगर ये अपने लिए सोचना तब भी वर्जित था अपने लिए सोचना अब भी वर्जित है आईआईटी वगैरह को छोड़ दो थोड़े से जो आईएम आईआईटी एम या थोड़ी अब जो नई यूनिवर्सिटी जैसे अशोका खुली है वहाँ तुम्हें अपने लिए सोचने की थोड़ी बहुत इजाज़त देते हैं मगर पीएचडी भी जो खासकर हिंदी में जो पीएचडी करते हैं लोग वो तो इतनी बकवास होती है वो कोई भी अपनी तरफ से तो कुछ लिखते नहीं है सर्वेक्षण की तरह होता है हर बात तो उनका गाइड मना कर देता है कि ये नहीं लिख सकते बात बात पर हमारे यहाँ अश्लीलता का आरोप लग जाता है साहित्य की बात करें तो और एजुकेशन में भी यही होता है कि आप बदतमीज हैं आप टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं आपने ये जो लिखा है ये पाठ्यक्रम की किताब से अलग है तो उस तरह की बातें होती हैं तो सोचने की इजाज़त तो बहुत कम मिलती है कुछ हैं जैसे स्कूल हैं ये कृष्ण मूर्ति के वो जो वैल्यू स्कूल है ऐसे कुछ स्कूल्स हैं थोड़े बहुत जहाँ बच्चे कुछ अपनी तरह सोचते हैं मगर उन बच्चों को फिर ज़िंदगी जीनी बहुत कठिन लगती है हिंदुस्तान में ये मतलब एजुकेशन तो अपने यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है और ये जो एक नया चला है उसूल एक फलसफा जो अमेरिका से आया है कि तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है बाकी ज्ञान होना जरूरी नहीं है इसीलिए तुम देखोगी कि, कि ह्यूमैनिटीज के लिए फंडिंग कम होती जाती है पैसा नहीं दिया जाता और टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दिया जाता है तो धीरे धीरे ये जो सारी चीजें इतिहास गलत इतिहास पढ़ा दो इतिहास रटा दो बस किसी को सोचने नहीं दो कि इतिहास को बदलना है जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता रहा है उसको बदलना है हमें नया इतिहास लिखना है सोचना है उसके बारे में वो तो गवारा नहीं होता बिल्कुल भी जो दो चार इतिहासविद मशहूर हो जाते हैं उन्हीं की बातें दोहराई जाती हैं तो ये जो है ये तो मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है अब ये है कि कुछ नई अब पता नहीं कहाँ तक ये अ, हर चीज़ का तो ये निकाल देते हैं कोर्स में से पाठ्यक्रम में से हर बात जो भी इनको गवारा ना हो सरकार को वो ये निकाल देते मतलब हम संविधान के हिसाब से नहीं चलते हम सरकार के हिसाब से चलते हैं हमारे यहां सरकार ही संविधान है तो ये हो गया है हाल और ये ऐसा नहीं है कि ही है बहुत दिनों से होता आ रहा है और अब समझ लो कि प्राप्त आकाश्ठा पर पहुंच गया मतलब मेरे ज़्यादातर जो स्कूल के कॉलेज के टीचर्स थे मगर सबसे ज़्यादा जो मेरे घर के लोग थे मेरे माँ मेरे पिताजी मेरे चाचा वो मेरे एक चाचा थे वो खालि उर्दू ही बोलते थे जब उनकी शादी हुई तो उनकी बीवी को उर्दू नहीं आती थी तो वो जो एक दूसरे को ख़त लिखते थे वो वो पढ़ नहीं पाते थे <laughs> तो मतलब उनसे हमने उर्दू कुछ हद तक सीखी पे उतनी तो नहीं सीखी जितनी वो जानते थे मगर मेरी बड़ी बहन मंजुल ने तो बाकायदा मेरा हाउस में मौलवी रख कर उर्दू सीखी चार पांच लोग जुट आए और एक मौलवी प्रिंसिपल से कहे कि एक मौलवी साहब आने लगे सिखाने फिर वो बाकी लोग तो चले गए तो दीदी अकेली रह गई उनके पास तो वो रुमाल से पसीना पूछा कर पोछा करते थे जब खाली दीदी रह गई तो तौलिए से पहुँचने लगे फिर थोड़ी देर थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा भी मेरे बस का इस लड़की को पढ़ाना नहीं है नहीं नहीं हम तो एक दूसरे को अपनी पांडुलिपि भी हमने कभी नहीं दिखाई हम एक दूसरे को छपावा ही पढ़ते थे खैर हमने लिखना ही इतनी दूर देर से शुरू किया शादी होने के बाद और सब कि वो सब तो हम हम मैं और मंजुल बहुत करीब भी थे और हमारी लड़ाई भी बहुत होती थी मतलब कई कई दिन हम एक दूसरे से बोलना बंद कर देते थे इतना तक होता था फिर हमें याद नहीं होता था कि हम क्यों बोल पड़े मगर हम फिर बोल पड़ते थे, थे एक दूसरे से मतलब मगर हमारे कोई इश्यूज़ नहीं थे एक तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी को लड़कियाँ बहुत पसंद थीं तो पाँच होने के बावजूद उनको कोई गला नहीं था बल्कि स्कूल में उनका हमारी टीचर्स का ख्याल है कि हम सब इकलौती हैं हमारी हमारी क्लास की टीचर्स कहती थी चाहे आप अकेली लड़की हो ना घर में इसीलिए इतनी बिगड़ी हुई हो तो उनको ये नहीं पता था कि हम पांच हैं तो उस तरह से कुछ नहीं हुआ मगर आपस में झगड़ा आप वगड़ा तो होता ही था और फिर हम सारे के सारे एक बौद्धिक उस पर जीते थे तो हमारी बौद्धिक स्तर पर भी बहुत एक दूसरे से हम अलग सोचते थे और हमारा लिखने का लिखने की शैली तो बिल्कुल ही अलग है मंजुल की और मेरी बिल्कुल अलग शैली शिल्प कथ्य सब अलग है हालांकि एक ही कथ्य पर हमने लिखा है जैसे राजकमल ने एक किताब छापी है बिसाथ नाम से जिसमें हम तीनों बहनों की कहानियाँ हैं जो तीनों की कहानियाँ मेरे नाना से संबंधित हैं हमारे नाना से कहना चाहिए क्योंकि हम तीनों के ही नाना थे तो वो ऐसी और भी कहानियाँ हैं जैसे जो मैंने अनित्य लिखा है उसका कुछ उसी तरह का कथ्य मंजिल की कहानी मोहरा का है ऐसी बहुत है मगर बहुत कहानियां हैं मगर वो क्योंकि शिल्प इतना फर्क है इसलिए वो अंदाज़ा भी नहीं होता लोगों को कि ये कोई बहुत दिनों तक लोग कहते हैं अच्छा हमें तो पता नहीं था मंजिल और आप बहने हैं अशला ने तो बाद में लिखना शुरू किया वो आठ साल छोटी हैं मंजुल से दस साल छोटी हैं तो और हम सभी ने बत्तीस साल की उम्र में लिखना शुरू किया क्यों मैंने सबने शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद अच्छी तरह जिंदगी को भोगने या जैसा मंजुल कहती थी भुगतने के बाद हमने लिखना शुरू किया मैं नहीं समझती कि को कोई बहुत बड़ा फर्क आया है मेरे लिखने में सिर्फ यह है कि शुरू में सभी लोग मेरे ख्याल से हम लिखते हैं जब तो कुछ संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल करते हैं फिर धीरे धीरे वो भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है और मेरी लेखन में फिर उर्दू शामिल होने लगी धीरे धीरे दूसरी बात जो हुई है वो मेरे ख़्याल से ये है कि एकदम शुरू में तो सब आप बीती लिखते हैं पहले दो उपन्यास तो आप अपने निजी अनुभवों में से लिखते हैं मगर मेरा जो तीसरा उपन्यास दूसरा वंशज था तीसरा चौथा उपन्यास अनित्य था वो राजनीतिक था आज़ादी के आंदोलन के बारे में था उसके बाद से मेरा जो कैनवस है वो बहुत बड़ा हो गया बड़ा होता चला गया और मगर मुझे ये नहीं लगता कि आप किसी एक आदमी की कहानी कहते हैं या आप आ, एक समूह की कहानी कहते हैं तो उसमें कोई अंतर है सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जीवन दृष्टि क्या है एक इंसान की बिल्कुल निजी जिंदगी के माध्यम से भी आप वो बातें कह सकते हैं जो आप एक बड़े समूह के जरिए कहते हैं तो ये जीवन दृष्टि का सवाल है वो मैं शुरू से मानती हूँ अब भी मानती हूँ कि आप किस वर्ग से पात्र लेते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है आपकी अपनी जीवन दृष्टि क्या है आप क्या सोचते हैं वही आपके पात्र भी वही दृष्टि आप अपने पात्रों को देंगे जैसे मैंने और मंजुल ने मंजुल ने लिखा बेगाने घर में मैंने लिखा वंशज दोनों में मेरे नाना हैं मंजुल ने लिखा नाना की कोठी के पीछे जो नौकर चाकर रहते थे उनके बारे में मगर नाना उसकी जो दृष्टि है वो उच्चवर्गीय है क्योंकि नाना को उसने बहुत एक भव्य और दानवीर किस्म का आदमी दिखलाया मेरा उल्टा हुआ मैंने नाना और नाना के बेटे और बेटी और बहू वगैरह के बारे में लिखा उनका सिर्फ जिक्र हुआ जो नौकर जाकर थे मगर मैंने नाना को महान नहीं साबित किया बल्कि मैंने ये दिखाया कि वो बहुत अपने जो सिद्धांत थे उनके जो उस पर उसूल थे उन पर इतने ज़्यादा अड़े हुए थे कि वो दूसरों के साथ संवेदना से पेश नहीं आ पाते थे हालांकि उनका व्यवहार अपने नौकरों चाकरों से तो बहुत ही ज़्यादा मधुर उदार था मधुर तो नहीं कहना चाहिए उदार था वो उदार बहुत थे मगर वो किसी के करीब नहीं आ सकते थे तो वो एक सामंतशाही प्रवृत्ति थी तो मैंने बिल्कुल उच्च वर्ग के पात्र लिए मगर मेरी दृष्टि जो थी वो कह सकते कुछ हद तक मार्क्सिस्ट थी मेरा जो लगाव था वो उस बेटे के साथ था उनके जो बिल्कुल विद्रोही था और कुछ दिमाग से भी फितूर था उनके मतलब उस हद तक चले गए थे वो जहाँ दिमाग जो है कहना चाहिए कि थोड़ा स्खलित स्खलित हो जाता है तो ये जो जीवन दृष्टि है आप, आप किसके साथ हैं वो महत्वपूर्ण है ये नहीं कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं एक तो मैं ए, कोई डायरी नहीं रखती कोई सिनॉप्सिस नहीं लिखती कोई खाका नहीं बनाती कोई चीजें जर्नल नहीं रखती डायरी नहीं रखती कुछ नहीं रखती सब कुछ मेरे दिमाग में होता है और जिस दिन मुझे पहला शब्द सूझ जाता है पहला वाक्य सूझ जाता है मैं लिखना शुरू कर देती हूँ उसके बाद वो आगे क्या करेंगे किरदार वही जानते हैं कई बार तो ऐसे होता है मैं कहती हूँ इधर चल वो कहता नहीं मैं तो इधर जाऊँगा तो मेरे हाथ में होता ही नहीं और जब मुझसे कोई ये कहता है जैसे अभी हाल में हुआ एक आ, महिला ने मुझे एक ख़त लिखा आ, मेल किया कि आपका उपन्यास मैं और मैं मैंने पढ़ा मैं मैं उसके अंत से सहमत नहीं हूँ मैं आपको दूसरा अंत बतलाती हूँ तो मैंने कहा ज़रूर बताओ मैं बहुत खुश हूँ कि कोई दूसरा अंत यह बतला रही हो मुझे क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आप उपन्यास लिखते हैं तो दरअसल आप एक शहर में प्रवेश कर जाते हैं एक दरवाज़ा होता है जिससे आप एक शहर में प्रवेश कर जाते हैं फिर उसके बाद बाहर निकलने के चार पांच दरवाजे होते हैं और आप जानते हैं कि चार पांच दरवाजे हैं मगर आपको एक दरवाज़ा चुनना पड़ता है और वो आप नहीं चुनते आपके किरदार चुनते हैं आप किरदारों को धकेले के भी दरवाज़ा नंबर दो पर जा मगर वो दरवाज़ा नंबर एक पर जाता है तो आप जानते रहते हैं कि इसका अंत कोई और भी हो सकता था तो जब कोई कहता है कि हम इसका अंत बतलाते हैं तो मैं कहती हूँ ज़रूर बतलाओ मगर जब मैं वो अपना तर्क देता है और मैं अपना तर्क देती हूँ कि भाई मेरे हिसाब से किरदार ने ये सोचा होगा तो कई बार ये होता है वो कहते हैं कि हाँ अब हमारी समझ में आ गया एक बार तो एक आदमी ने मुझे कहा कि मैं रात ढाई बजे आपको फ़ोन करने वाला था फिर मैंने सोचा कि किसी औरत को रात को ढाई बजे फ़ोन नहीं करना चाहिए मैंने कहा क्या मुसीबत आ गई थी कहने लगा कि मैंने मैं और मैं पढ़ा मुझे उसका अंत पसंद नहीं आया तो मैं आपको फ़ोन करने वाला था तो मैंने कहा मगर रात बीत गई सुबह बीत गई अब दो मतलब दो दिन बीत गए इस बात को तो आपने तो फिर फ़ोन नहीं किया कहने लगा नहीं फिर मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया था कि जो आपने लिखा है वो ठीक है मगर अगर वो नहीं समझ में आए और उसको ठीक न लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं जो पाठक है उसको रस्सी से बांध बूंद कर नहीं रखती फिर उसके गले में नहीं उतारती अपना कथ्य मैं सिर्फ उसके सामने फेंकती हूँ शतरंज की मोहरे वो जैसे चाहे बाजी चले एक पूरा भरा पूरा उपन्यास दिमाग में होता है मतलब वो बहुत पहले से होता है और पूरा का पूरा दिमाग में होता है ये बात मुझे मनोज श्याम जोशी ने समझाई थी कि उन्होंने कहा इसमें आपका क्यार धरा कुछ नहीं है आप खुश मत होइएगा ये भगवान का दिया हुआ है कि मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं एक हिस्से में वो सारी स्मृतियाँ जमा होती हैं जो दूसरा हिस्सा होता है वो उनको आपस में उनका तालमेल बिठलाता है तो किसी किसी का ये हिस्सा बहुत विकसित होता है जो तालमेल बिठलाता है तो 20 साल पहले की घटना और आज की घटना का वो तालमेल बिठला लेगा इसलिए आपको कुछ लिखने लिखने की ज़रूरत नहीं होती स्नॉपसेज या स्टोरी ला, लाइन या कुछ वो पूरा दिमाग में ही होता है तो वो एक बार जब शुरू हो जाता है तो वो चलता चला जाता है उसमें चीज़ें अपने आप आती जाती हैं वो दिमाग से अपने आप आती हैं जैसे मैं तुम्हें अपने सबसे जो मेरा कहना चाहिए कि जटिल उपन्यास है कटगुलाब अब उसमें पांच किरदार हैं और वो अपनी अपनी कहानी कहते हैं और सब अपनी कहानी कहते हुए बीस साल पहले से शुरू होते हैं और बीच में वो कभी मैं में बोलते हैं कभी वो में बोलते हैं तो कुछ लोगों ने जो हमारे आलोचक हैं मतलब पारंपरिक उन्होंने कहा ये क्या है कभी मैं बोलती है वो कभी वो बोलती है तो उसका कारण ये है कि वो एक दूरी बनती है जब वो वो में बोलती है अपने ही बारे में तो वो बीस साल पहले की बात कह रही है दस साल पहले की बात कह रही है तो अपने से खुद दूरी बना रही है समझे ना शी इज़ डिस्टेंसिंग हर सेल्फ फ्रॉम हर जो ब्रैथ ने कहा था कि आप अपने से खुद दूरी बनाते हैं तो ये पांचों पात्र इस तरह से बात करते हैं और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चलती है और उसमें जो सबसे जटिल बात थी कि एक आ, एक पात्र अपनी कहानी सुनाता है ऐसा तो नहीं है कि वो जब कहानी सुना चाहता है तब दूसरा आदमी कहानी सुनाना शुरू करता है वही कहानी चलती है दूसरा भी उसी में उसी को सुनाता जाता है आगे बढ़ाता जाता है और फिर पीछे जाता है आगे बढ़ता है पीछे जाता है आगे बढ़ता है इसी तरह पांचों पात्र करते हैं तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें गलती होने के बहुत मौके थे कि आप भूल जाए पीछे जाके आप आगे आ रहे हैं तो ये एक तालमेल बिठलाने की बात होती है और वो जब मैं उपन्यास लिख रही होती हूँ इसलिए वो एक बैठक में तो ख़त्म नहीं हो सकता जैसे कहानी कहानी तो मैं लंबी से लंबी कहानी एक बैठक में लिखती हूँ मतलब एक बार मैं जयपुर में थी खासा कोठी में हम ठहरे हुए थे तो वो लाल रंग की जैसे बल्कि गुलाबी लाल रंग सैंडस्टोन की बनी हुई कोठी है और अचानक बारिश हुई बारिश की एक बूंद पहली बूंद उस लाल रंग पर पड़ी और वो पता नहीं कैसे उत्प्रेरक बना कि मैं वो कहानी लिखने बैठ गई शहर के नाम बहुत लंबी कहानी है मैं लिखती चली गई कागज़ ख़त्म हो गया फिर मैं वो थैले का कागज़ में थैला फाड़ा उस पर मैं लिखने लगी जितने थैले उस कमरे में थे सब फाड़ फाड़ के उनके पीछे मैं लिखती रही और ये मैं ये तब तक लिखती रही जब तक कहानी खत्म नहीं हुई और वो हुआ ये कि फिर आनंद जहाँ भी गए हुए थे वहाँ से लौटे और कमरे के बाहर इन्हें कुछ ऐसे लगा मतलब तो इनके मन में ये हुआ कि कुछ हो रहा है तो ये बाहर ही बैठे रहे बालकनी में इन्होंने ना खटखट की दरवाजे पर कुछ नहीं किया फिर तो जब मैंने ख़त्म कर लिया और मैंने वो बटोरे कागज अजीब अजीब से कागज़ और बटोर के मैंने दरवाज़ा मतलब दरवाज़ा तो खुला ही था फिर भी ये अंदर नहीं आए तो मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा आप आ गए इन्होंने कहा उनका मुझे लगा कि कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा है सिर्फ कहानी लिखी जा रही नहीं उन्हें लगा उन्हें लगा अंदर पता नहीं क्या हो रहा है क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त विद्युत तरंगे मेरे दिमाग से बाहर निकल रही थी तो मैं एक बैठक में लिखती हूँ क्योंकि वो सब मेरे अंदर होता है और सब वो निकलता है मगर उपन्यास तो एक बैठक में नहीं लिखा जा सकता तो ज़्यादातर उपन्यास अनित्य जैसा उपन्यास जिसको लिखने के लिए मैंने 160 किताबें पढ़ी थी अच्छा मैं पहले शोध करके उपन्यास नहीं लिखती उपन्यास लिखने के दौरान जहाँ भी मुझे लगता अच्छा चंद्र के शेखर आज़ाद ने क्या पहना हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद कौन से पेड़ के नीचे खड़े थे तो अलाहाबाद में लिखा हुआ है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे जो गलत है वो मौलशी के पेड़ के नीचे खड़े थे और ये सब बातें फिर मैं उसी वक्त उसका शोध करती हूँ ये नहीं करती कि पहले से मैं शोध करूँ जैसे लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने शोध किया फिर हमने उपन्यास लिखा मैं उपन्यास लिखते हुए ही जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ शोध करती हूँ तो उसके लिए मैं एक के बाद एक किताब मुझे चाहिए होती थी कुछ ऐसी किताबें होती थी जो जिनका कोई सीधा सीधा संबंध नहीं होता था जैसे नाथूराम गोडसे का अंतिम वक्तव्य कुछ भी मैं वो सब चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो भी मेरा नौ महीने में ख़त्म हो गया था उपन्यास और चित कोबरा तो खैर क्लासिक छब्बीस दिनों में लिखा गया था मगर बाकी सब उपन्यास बहुत समय नहीं लेते नौ महीने लेते हाँ पकने में बहुत समय लेते हैं जैसे जब मंजुल की का निधन हुआ उन्नीस में तब मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ उसका नाम मिलजुल मन है मगर मुझे उसका शिल्प ही नहीं सूझा मुझे ऐसा शिल्प चाहिए था जिसमें वो जीवनी भी हो और उपन्यास भी हो तो शिल्प मुझे नौ साल तक नहीं सूझा 2007 में अचानक रात के 12 बजे मुझे सूझा कि उसमें एक बहन हो जो कहानी सुनाए और जाहिर है कि वो बहुत कुछ छुपाएगी बहुत कुछ झूठ बोलेगी बहुत कुछ से अनजान होगी तो एक और किरदार लेखक हो जो उसकी ग़लतियों को सुधारता जाए और जहाँ पर वो छोड़ दे वो उसकी भरपाई करे वहाँ वहाँ वो भरे फिल इन द ब्लैंक्स करे और कुछ वो भी जानती हो उस किरदार को जिसके बारे में वो लिखा जा रहा है तो वो अपनी तरफ से भी कुछ कहती चले तो इस तरह ये एक वार्तालाप होता है इन दो के बीच में और उसके बीच में से कहानी उभरती चली जाती है अब ये जो मुझे कैसे सूझा अगर मैं ये बतलाऊंगी तो हिंदी वाले कहेंगे कि देखा ये विदेशी उससे चोरी करती हैं <laughs> वो सूझा मुझे ऐसे कि मैं बहुत ही मामूली सी किताब िका डिसाइड्स टू डाय उसमें बड़ी अजीब चीज होती है कि एक दो अध्याय तो पढ़ लिए थे मैंने तीसरे अध्याय में अचानक लेखक आ जाता है और वो बोलने लगता है अपनी बातें बोलने लगता है अपने बारे में बोलने लगता है तो वहाँ मैंने बंद किया मैंने कहा कि ये है ये करना है कि वो एक लेखक है उसमें जो फिर इन बातों इन चीज़ों पर टिप्पणी भी देता है देगी है औरत ही और फिर अंत में अंत में जाके ये राज खुलता है कि दरअसल तो वो लेखक और वो बहन एक ही है तो ये इस तरह का जो एकदम से जटिल कहना चाहिए एक शिल्प है वो भी उसकी कहीं कोई आउटलाइन या खाका या कुछ नहीं था तब दिमाग में ही था और जब वो सूझ गया शिल्प तो मैं ये कहती हूँ कि कत्ते के साथ साथ शिल्प बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ एक ये मुहावरा सा बना हुआ है या नारा बना हुआ है कि वो तो भैया शिल्प रूपवादी हैं आप शिल्प पर जोर देते हैं मगर बड़े से बड़ा लेखक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है जब तक उसको शिल्प न सूझे बिना शिल्प के आप चुटकुला सुना सकते हैं वर्णन कर सकते हैं रचना नहीं कर सकते रचना के लिए शिल्प चाहिए होता है शिल्प का एक हिस्सा भाषा है क्योंकि जो किरदार हैं मैं जो बोल रही हूँ उसकी वो उसको छोड़ दो जो लेखक बोल रहा है मगर जो किरदार है उनका जो असल चरित्र है उनका जो मर्म है वो वाकई जो सोचते हैं जो महसूस करते हैं जो उनको एहसास होता है वो उनके संवादों से खुलता है तो हर हर वाक्य के तीन चार अर्थ होते हैं एक सतही अर्थ होता है भावार्थ होता है निहितार्थ होता है और फिर वो निहितार्थ भी अलग अलग पाठक के लिए अलग होता है तो उसमें से ही किरदार पनपता है इसलिए वो भाषा बहुत ज़रूरी हो जाती है आप भाषा का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है भाषा का मतलब ये नहीं है कि आपने उर्दू लोग कहते हैं उर्दू हिंदी मिली हुई लिखी उन्होंने उसमें उर्दू ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है आप उसको प्राकृत में लिखें संस्कृत में लिखें तेलुगू में लिखें तमिल में लिखें उर्दू में लिखें हिंदी में लिखें किसी भी भाषा में लिखें सवाल ये है कि उसके कितने अर्थ हैं कितने भीतर तक आपकी पहुंच है और वो जब किरदार बोलता है उसको खुद नहीं पता होता है कि मैं वाकई क्या कह रहा हूं, वो कह जाता है जो वो वाकई सोच रहा होता है जो उसके मन के भीतर है धधक रहा है जो वो जानता नहीं है वो वो कह जाता है और उसी कहने में से सब कुछ निकलता है प्रकट होता है तो भाषा को माँजने की बहुत जरूरत है भाषा विवरण नहीं होता भाषा भाषा का मतलब ये नहीं कि आप कितना सुंदर विवरण दे रहे हैं आप कितने काव्यात्मक हैं जैसे कई बार लोग कहते हैं प्रशंसा में कि तो कविता जैसी है तो क्या हुआ ये जो लिखा है वो कविता जैसा है तो क्या हुआ कविता में लय हो सकती है मगर कविता में कितने अर्थ हैं वो महत्वपूर्ण है उसी तरह ये जो हम काव्य ही कहते हैं ना चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो उसमें कितने अर्थ हैं निहित वो महत्वपूर्ण है तो उस तरह से भाषा जो है वो शुरू से ही इसलिए मेरी भाषा में से वो निकलते रहे जैसे मैं पहले उपन्यास का एक उसके हिस्से की धूप जो मेरा पहला उपन्यास था अब जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है भाई तो काट दो ही काट दो भी काट दो न मतलब भाषा को थोड़ा संश्लिष्ट बनाओ वो तो बहुत छोटी बात है मगर उसमें एक वाक्य आता है अंत में वैसे तो वो कहते हैं भाई क्या तीन लोगों की कहानी है और वो बेवफाई अंक में उन्होंने डाल दिया था इसके ज्ञानोदय के मगर असल बात जो उसमें आखिर में वो एक पात्र जो है जो बड़ा खिलंदरा सा पात्र है वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है कह रहा है मैं उसमें आंदोलन में भाग लेने जा रहा हूँ बोट क्लब में हमारी मीटिंग हो रही है रैली हो रही है वो जयप्रकाश का आंदोलन था तो वो उसकी जो पत्नी है वो उसे कहती है तुम क्या कर लोगे तो वो कहता है कि मुझे ये संतोष रहेगा कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया इससे ज्यादा आदमी कुछ नहीं कर सकता तो ये असल में ये शब्द मेरे दिमाग से नहीं उपजे थे ये शब्द फनीश्वर नाथ रेणु ने कहे थे मगर वो मेरे दिमाग में रहे होंगे तो वो वहां इस्तेमाल हुए तो ये जो उपन्यास है जाके जुड़ता है सारे आर्थिक ढांचे से और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से तो ये ये जो और किससे प्रकट हुआ सिर्फ एक वाक्य से सिर्फ एक वाक्य वो कहता है जिससे ये प्रकट होता है कि वो इतना खिलंदड़ा आदमी नहीं है हालांकि वो बहुत भावुक है और वो बात बात पर उत्तेजित हो जाता है और इस आंदोलन को लेकर भी वो शायद बहुत उत्तेजित है क्योंकि हमने देखा कि उसका अंत तो कुछ नहीं हुआ कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं जयप्रकाश के आंदोलन से मगर वो भावुक आदमी है इसलिए वो उसकी अपेक्षा ये रहती है कि बहुत कुछ हो जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा तो ये एक वाक्य से या दो वाक्यों से प्रकट हो जाता है और ये इसीलिए भाषा का अर्थ मेरे लिए भाषा का अर्थ यह है कि उसके में कितने अर्थ संयोजित हैं तो ये मैं नए लेखकों से जरूर कहना चाहती हूं कि वो भाषा को ऐसे नहीं समझते वो भाषा को समझते हैं कि हमने कितनी उसमें बिहारी लिख दी भोजपुरी लिख दी कितनी हमने आंचलिक भाषा डाल दी कितनी हमने सड़क की बोली लिख दी कितना हमने ये सब कर दिया उससे वो सोचते हैं कि हम करीब आ गए जनमानस के करीब आ गए अरे जनमानस इतना छिछला नहीं होता इतना उथला नहीं होता कि आपने उसकी भाषा बोल दी तो सब कुछ हो गया वो खुद ही झूठ बोल रहा होता है वो क्या अपनी भाषा में झूठ नहीं बोल सकता वो अपनी भाषा में भी तो झूठ ही बोल रहा होता है तो आपको उस झूठ के भीतर निहित सत्य को पकड़ना होता है तो इसलिए भाषा जो है वो बहुत ही एक ऐसा माध्यम है एक ऐसा हथियार है जिसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कहते हैं ना दो फल का चाकू ये दस फल का चाकू है इसका कौन सा फल आप निकालेंगे किस वक्त ये असल बात है तो भाषा इसलिए जरूरी है इसलिए नहीं कि आपको अंग्रेजी आती है आपने अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर लिए गलत गलत आपको उर्दू आती है आपने उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर लिए कोई भाषा आपको ना आए आंचलिक कोई एक शब्द ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता स्वर्क इससे पड़ता है कि जो भाषा आप लिख रहे हैं उस पर आपका कितना अधिकार है वो कहाँ से निकल रही है वो मस्तिष्क से निकल रही है सिर्फ मन से निकल रही है या वो दोनों के दोनों से मिलकर निकल रही है भाव से भी निकल रही है और विचार से भी निकल रही है और मैं समझती हूँ कि जिस कृति में विचार नहीं होता उसमें आप कितना भी भाव प्रधान होकर भावुक होकर लिखें भाव प्रवण होकर लिखें उत्तेजित होकर लिखें कुछ भी होकर लिखें जब तक उसमें कोई विचार या जीवन दृष्टि नहीं है वो बड़ी रचना नहीं होती तो ये बात जो है ये आ, होता है कि मैंने एक उपन्यासकार से पूछा मोरवाल जो एक काला पहाड़ उन्होंने लिखा वो सब वहाँ के बारे में लिखते हैं और इस इलाके के बारे में मैं जानती हूं मैंने उन्हें एक बार कहा था कि भाई आप हमने वहाँ पे एक चलाया हुआ है तबेदिक की हम दवा देते हैं हाँ आप आकर देखिए एक बार तो खैर वो नहीं आए कभी नहीं आए मगर मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने विवरण क्यों दिए हुए पहले आपने दादा की शादी दिखाई सारे विवरण दिए शादी कैसे होती है फिर पोते की दिखाई फिर वही सारे विवरण दोबारा दिए कोई फर्क नहीं है उनमें दोनों की शादी एक ही तरह से हुई है तो इतने विवरण क्यों देते हैं तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया उन्होंने कहा फिर उपन्यास में क्या लिखे मैंने कहा अगर कुछ लिखने को नहीं है तो मना लिखे कहानी लिख लें आपके पास कुछ है तो ना उपन्यास लिखिए सिर्फ विवरण देने के लिए थोड़ा आप उपन्यास लिखेंगे तो ये जो विवरण देना वर्णन करना दिलकश मंजर तैयार करना वो सब पृष्ठभूमि है असल चीज़ नहीं है असल चीज़ ये है कि वो किरदार कहाँ जाके खत्म होता है और बात क्या है एक की बात ये पूरे विश्व पर लागू होती है हम उपन्यास का अंतिम पन्ना नहीं पढ़ते और अंतिम वाक्य तो पढ़ते ही नहीं और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अंतिम वाक्य वो जो एनिमल फार्म में वो कहता है ना वन लुक पिग लुक्ड एट मैन एंड मैन लुक्ड एट पिग एंड देर वॉज नो डिफरेंस जो अंतिम वाक्य है वो हम नहीं पढ़ते और वही उसका मर्म होता है जैसे चितकोबरा पर हजार बातें हुई किसी ने उसका अंत नहीं पढ़ा जो अंतिम सफा है अंतिम पन्ना है उसका जो अंतिम वाक्य है वो जब कहती है कि मैं इस पे इस सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाऊंगी तुम बाद में आना तो ये बहुत छायादार सड़क होगी ये वीरान सड़क ये किसी ने नहीं पढ़ा क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने सोचा कहानी तो पूरी हो गई तो ये जो बातें होती हैं यही उपन्यास का सार होता है कि लेखक खुद भी वहां तक पहुंचा लेखक को कुछ नहीं पता होता वो कहाँ पहुंच रहा है वो पहुंचता है अपने किरदारों के साथ साथ तो ये जो एक तो या जिसको वो जो नावल जो चलता हम उसको संचालित नहीं करते हम उसको रचते हैं आखिर यही तो फर्क है हम उसे निर्मित नहीं कर रहे होते हम उसे रच रहे होते हैं इसलिए हर हर कुछ सफों बाद वो दोबारा पुनर्सृजन होता है उसका बदलना कुछ नहीं पड़ता वो खुद ही अपने आप को सर्जित करता चलता है वही रचना है इसलिए सिर्फ किसी चीज का वर्णन कर देना कि यथार्थ अगर साहित्य यथार्थ का दर्पण है समाज का दर्पण है तो खासी बेकार चीज है वो यथार्थ की कसौटी है कसौटी का पत्थर है वो उस पर आप कसते हैं कि ये जो यथार्थ है ये कितना झूठा है कितना सच्चा है और इसको क्या होना चाहिए जो है जो हो सकता था जो होना चाहिए सब कुछ उसमें एक वाक्य में आ जाता है तभी वो रचित होता है सर्जित होता है नहीं तो सिर्फ वो निर्मित होता है तो ये मैं मैं ये नहीं कहती कि मैं उंगली पकड़ के चला रही होती हूँ अपने किरदार को ये भी नहीं कहती कि किरदार मुझे उंगली पकड़ के चला रहा है हम साथ चल रहे होते हैं और उस साथ में हम कभी कभी हमारा टकराव भी होता है एक दूसरे से और यही कारण है कि कभी कभी ऐसा होता है लेखक अपनी रचना खुद पढ़ के प्रभावित हो जाता है बदल जाता है सोचता है अब तुम जानती हो सब जानते हैं कि लेखक लिखते तो बहुत क्रांतिकारी हैं जीते बहुत पोंगापंथी जीवन है कभी कभी होता है कि लेखक जब अपना लिखा हुआ पढ़ता है तो सोचता है ये कर सकता था मेरा पात्र तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो सिर्फ पाठक नहीं बदलता लेखक खुद अपना पढ़ के बदलता है और किसी के कहे से नहीं बदलता लेखक जो कहता है वो तो निहायत बेकार चीज है पात्र जो कहता है वो भी खासी बेकार चीज है जो पात्र करता है वही महत्वपूर्ण है और जो पात्र करता है उसको देखकर पाठक भी प्रभावित होता है लेखक खुद प्रभावित होता है जब लेखक खुद अपने पढ़े से आश्चर्यचकित हो कि ओहो ये तो इसने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया मैंने तो सोचा नहीं था क्योंकि वो बैठकर सोचता नहीं है उसके बारे में जब वो सर्जित हो जाता है तभी उसके अंदर ये कौंधता है कि मैंने क्या कर डाला भाई बिल्कुल अलग किस्म का कुछ लिख डाला तो ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है इसीलिए लेखक बनना बहुत सुगम नहीं है और बहुत आरामदेह नहीं है उसमें बहुत आदमी खपता है खटता है अपने को मारता है अपने को हलाक करता है और परकाया प्रवेश करता है खुद को खत्म करके उस पात्र के भीतर प्रवेश करता है हो सकता है वो पात्र उससे बिल्कुल विपरीत हो।, हो सकता है वैसे पात्र से वो नफरत करता हो फिर भी परकाया प्रवेश करता है फिर भी उसके भीतर घुस के उसकी तरह सोचता है तो ये एक जटिल काम है उसके लिए अपने अहम को मारना होता है और लेखक का अहम बहुत बड़ा होता है वो अपने को भगवान के बराबर मानता है ना मंटो ने कहा था ना कि किसने ज्यादा रचा खुदा ने के मंटो ने तो सवाल यह है कि अहम तो बहुत बड़ा होता है बहुत ही बड़ा होता है मगर उसी अहम को मारना होता है और तभी आप अपने पात्र में प्रवेश कर सकते हैं वो पात्र आपका प्रतिरूप नहीं होता वो आपसे बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं और बिल्कुल आप जैसा भी हो सकता है जब बिल्कुल आप जैसा होता है तो आप उसकी खामियां निकालते हैं जो जिसको आप हीरो मानते हो अपनी जिंदगी में उसको डिकन्स्ट्रक्ट करके आप खलनायक बनाते हैं या कम से कम आम आदमी बनाते हैं इसलिए आप जब गांधी पर लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप गांधी को महात्मा ही बनाएं, आप कुछ और भी बना सकते हैं और उसमें कोई कुछ गलत नहीं होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप गांधी के खिलाफ जा रहे हैं सिर्फ ये होगा कि आप गांधी के उस रूप के भीतर प्रवेश कर गए हैं जिसके भीतर ज़्यादातर लोग प्रवेश नहीं करते तो ये जोखिम उठाने का मादा होना चाहिए कि हमें लोग गलत समझें तो समझें मनोज श्याम जोशी की हमजात पढ़ के बहुत लोग कहते थे कि ये खुद ही लेखक ऐसा है ये खुद लेखक ही लंपट है जो ऐसी बातें लिख सका तो एक बार तो मैं मैं जोधपुर गई हुई थी और वहाँ सारी औरतें मेरे पीछे पड़ गईं अरे मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखी है भाई किताब मैंने तो सिर्फ तारीफ भर की है उसकी और आपको नहीं पढ़नी है तो ना पढ़े भाई वो कोई सड़क पे तो टंगी हुई नहीं है क्या आते जाते आपकी नजर पड़ जाएगी आपको पढ़नी पड़ेगी ना तो आप मत पढ़े ना पढ़े और उनकी किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि कितना जबरदस्त मोह भंग होगा लेखक का कि वो ऐसी कृति लिख सका कि वो ये विपदा उठाने को तैयार था कि लोग सोचे कि यह सलाह लेखक ही लंपट है इस हद तक उन्होंने अपनी शख्सियत को मारा था इस हद तक अपने अहम को मारा था वो बड़ी कृति होती है जहां आप अपने अहम को उछाल कर सामने रख देते हैं वो छोटी कृति होती है तो ये बात जो असल बात है वो परकाया प्रवेश की है और किस हद तक आप कर सकते हैं उसमें भाषा भी आ जाती है आप अपनी भाषा छोड़ के उसकी भाषा लिखने लगते हैं आपको पता है कि ये बड़ी भदेश भाषा है जो ये बोल रहा है मगर वो आपकी भाषा तो है नहीं किरदार की भाषा है मेरे अगर तुम उपन्यास सब पढ़ो तो देखोगे हर उपन्यास की भाषा अलग है क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं है वो किरदारों की भाषा है तो अलग किरदार है तो भाषा अलग है तो इसी तरह बस होता है मैं कुछ नहीं करती जानबूझकर मैं कुछ नहीं करती मगर सिर्फ लेखक होने की जोखिम उठाती हूँ और भरपूर उठाती हूँ लोग जो चाहे कहें मेरी एक कहानी है उसका नाम है छत पर दस्तक उसमें एक टीचर है रिटायर हो जाती है गरीब ख़ानदान से है बेवा है वो अपने बेटे को किसी तरह पढ़ाती बढ़ाती है और वो फिर अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाकर जैसे अच्छी नौकरी पैसा कमा रहा है सब कुछ हो रहा है इतने में ये रिटायर हो जाती है अब ये रिटायर होकर सोचती है अब मैं क्या करूं तो ये बेटी के पास जाती है और मन में ये सोच कर जाती है कि या तो बेटे के पास रहना पड़ेगा या उससे आर्थिक मदद लेनी पड़ेगी जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसका एक वो खुद बूढ़ी है एक और बूढ़ा अमेरिकन है जो बीमार हो जाता है और उसको पता चलता है और वो उसको देखने जाती है अस्पताल और उसकी देखभाल करती है। उससे उसके बाद वो अपने बेटे उसको ये लगता है कि मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ और वो तो उसका तो ये देश है मैं तो विदेशी हूँ तो मैं अपनी देखभाल भी कर सकती हूँ तो उसका बेटा उसको बतलाता है कि मैं एक अमरीकन लड़की से शादी कर रहा हूँ और पता नहीं कैसा रहेगा मेरा जीवन तो वो उसको कहती है मैं हूँ ना फिर वो कहती है कि मुझे तो टिकट बनवा दे मगर पंद्रह दिन बाद का बनवाना अभी पंद्रह दिन मुझे काम है उसने कहा क्या काम है उसने कहा वो प्राइवेट है तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं बदलाती बेटे को और वो हिंदुस्तान वापस आ जाती है और वो ये सोच कर आती है कि कुछ इतनी दिन नौकरी की है अब कुछ और नौकरी कर लूँगी ये होता है उसमें जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया मैंने कहा यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ मेरी कोई भी उम्र हो सत्तर हो अस्सी हो कुछ भी हो मुझे किसी से मदद मांगने की क्या जरूरत है मैं ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं नहीं तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आता मैं यही सोचती भाई बुढ़ा गए हम अब क्या करेंगे बूढ़े हो गए है, है हैं बूढ़े आना बात जैसा मानते हैं लोग बड़ा मुसीबत का काम है मगर उसमें मौज भी है आप जो चाहें कह दें बेबाकी से किसी को परवाह भी नहीं कोई सुनता भी नहीं तो ये भी नहीं आप पर आरोप लगता है कि आपका कोई प्रेमी हो चा, होगा चाहे हो मगर मतलब ये जो एक तरह की आज़ादी है वो बूढ़ेपन में ही मिलती है जवानों को नहीं मिलती वो जवान बहुत डरे डरे रहते हैं वो फलाँ ये कह देगा फलाँ ये कह देगा मैं तो हमेशा ये कहती हूँ भाई समाज को क्या परवाह समाज सिर्फ आपके यहाँ चाय पीने आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गाँव में दूसरी बात है वो इतना घुले मिले रहते हैं कि वो बातें करते हैं नहीं तो समाज को क्या फर्क पड़ता है आप किसको छोड़ दिया किसके संग चले गए क्या हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आपके यहाँ आके चाय पी सकता है तब तक वो खुश है तो मगर जवान बहुत डरे रहते हैं उनको लोक लाज की बहुत परवाह रहती है लोग क्या कहेंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे अरे भाड़ में पड़े सोचेंगे सोचते रहे तो ये भी एक होता है आप जब बूढ़े होते हैं धीरे धीरे मैंने ये बात पहले चितकोबरा में कही थी और फिर मैंने एक कहानी लिखी साठ साल की औरत उसमें वो कहती है कि जब साठ साल के हो जाते हैं तभी तो प्रेम करेंगे क्योंकि तब कोई डर नहीं होता उससे पहले तो डरे डरे ही रहते तो सब कुछ तो कर चुके आप प्रेम करने की बारे आराम तसल्ली से प्रेम करो तो एक आज़ादी का जो मादा है वो भी धीरे धीरे उम्र के साथ आता है नहीं वो तो मुझे ये लगा ही नहीं कि उससे किसी को कुछ एतराज हो सकता है मैंने तो अपने हिसाब से बड़ी सात्विक किताब लिखी थी क्योंकि वो प्रेम के बारे में थी और प्रेम से ज्यादा सात्विक क्या होता है मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है और लिखने की तो बात ही थी कि वो इतनी प्रवाह में आया था कि वो छब्बीस दिनों में लिखा गया मैं अमूमन सुबह देर से उठती हूँ तो मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो कोई साढ़े छः सात इनकी बस आ जाती थी तो मैं चार बजे उठती थी एक उसका अध्याय कहो पीस कहो जो भी कहो वो लिखती थी फिर उनको भेजने की तैयारी करती थी स्कूल तो इस तरह मैंने पच्चीस या छब्बीस दिनों में वो पूरा लिख लिया और जैसे लिखा अलग अलग हिस्से हैं वो मतलब उसकी ख़ास शिल्प की खासियत ये है कि वो ताश के पत्तों की तरह आप जैसे चाहो बांट लो मतलब आप तीसरे अध्याय से शुरू करो और दूसरे पे ख़त्म करो तो भी कहानी पूरी है आप कहीं से भी शुरू करो और कहीं भी ख़त्म करो कहानी पूरी है तो ये एक अपने आप आया वो शिल्प फिर बाद में मैंने जिस क्रम में वो लिखे थे उस क्रम में नहीं लगाए उसको उनको थोड़ा बदला मैंने बस वही बदलाव मैंने किया और कोई नहीं किया और शुरू में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई उस पर अभिमन्यु अनंत मॉरिशस से आए तो उन्होंने कहा ये एक मील का पत्थर है ये हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है आपके लेखन की तो बात छोड़ ही दीजिए मगर बाद में जो जिस पर कंट्रोवर्सी हुई वो सिर्फ दो पन्ने थे और वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी सर्जित की गई निर्मित की गई वो और उसमें कोई भी असल बात किसी ने पढ़ा ही नहीं था सूर्य बाला जिसने पहला पत्र लिखा सारिका में ये कहते हुए कि ये अश्लील है उसने किताब ही नहीं पढ़ी थी और उसने खुद लिखा हुआ था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी मैंने सिर्फ ये जो कुछ लाइनें उद्धृत हुई हैं सारिका में उद्धृत हुई थी द्रोणवीर कोहली ने एक लेख लिखा था वही पढ़ी हैं उसके बिना पर वो कह सकती हैं कि उपन्यास अश्लील है और फिर उसके बाद नंदन ने जो लिखा जो वाक्य लिखा वो बड़ा मज़ेदार था कि हम इसी तरह की और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करते हैं इसी तरह की तो मंजुल ने कहा कि आप लुकमा सड़क पर फेंकोगे तो कुत्ते टूटेंगे तो उसके बाद पूरे एक साल तक इतने भदेश पत्र आए वो सब छपे और जो मैंने लिखा मंजुल ने लिखा योगेश गुप्त ने लिखा वीरेंद्र सक्सेना ने लिखा दो चार और लोगों ने लेखकों ने तो किसी ने कुछ आपत्ति उठाई ही नहीं थी जिन लोगों ने लिखा उनके पत्र नहीं छपे पाठकों ने लिखा तो पत्र नहीं छपे फिर सबसे बड़ी गलती जो नंदन ने की वो ये की उन्होंने जैनिन जी का एक साक्षात्कार लिया था यह सोचकर रमेश बत्रा को उन्होंने भेजा था वो लेने यह सोचकर कि जैनिन जी उसकी बुराई करेंगे उन्होंने उल्टा किया तो उन्होंने वो इंटरव्यू भी नहीं छापा अब जैनिन जी ने तो तौबा बुला दी वो जितने इनके आका थे सबसे मिले और इनको बुलाया गया नंदन को उनको कहा गया भाई जैनिन जी का साक्षात्कार क्यों नहीं छापा तो उन्होंने कहा नहीं अब छाप देते हैं जैन जी ने कहा नहीं अब ऐसा है कि आप साक्षात्कार दोबारा लेंगे और उसके हर पन्ने पर मैं हस्ताक्षर करूंगा जिससे एक जुमला एक वाक्य एक हरफ भी उसमें नहीं छूटे और फिर उन्होंने जो इनको लानत मलामत भेजी उसमें उनका सबसे मजेदार वाक्य ये था कि अगर संपादन में से सम निकाल दो तो क्या बचता है और फिर इनको मेरा मेरा पत्र तो उन्होंने फिर भी नहीं छापा मगर मंजुल का पत्र और योगेश गुप्त का और वीरेंद्र सक्सेना का और अटरम शटरम जिन्होंने भी लिखा था सब पत्र इनको छापने पड़े और फिर इन्होंने कहा कि अब हम इसको इस बहस को बंद करते हैं तुम सोचो कि एक साल तक आप एक औरत के बारे में इतनी भधेस बातें छापते चले जाते हो और उस साल वो औरत अनित्य लिखती है क्योंकि उन्नीस में चितकोबरा छपा उन्नीस में अनित्य छप गया इनके सारे प्रपंचों से दूर मैं अनित्य लिख रही थी फिर उसके बाद खैर उन्होंने मुझे गिरफ्तारी कर लिया पुलिस ने और सबसे मजेदार बात अब सुनने में इतनी अजीब लगती है वो दो पुलिस वाले आए थे बेचारे बहुत भले आदमी थे उनमें से एक बोला कि जी मैं तो आपका बहुत प्रशंसक हूँ मैंने आपकी बहुत साहित्य पढ़ा है और मैं तो छह महीने से उसे टाल रहा था अपने सीनियर ऑफिसर को जो कहता था इसकी प्रति ला के दो उसका पाँचवा या छठा संस्करण था चितकोबरा का कहता था इसकी प्रति ला के दो इस पर हमें केस करना है तो हम उसको प्रति नहीं ला के देते थे तो फिर वो जाके पार्लियामेंट लाइब्रेरी से ले आया तो उसकी दिक्कत ये है कि उसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी है और वो हमेशा डरा रहता है कि उसकी बीवी का कहीं प्रेम हो जाएगा या कोई उस पर आशिक हो जाएगा इसलिए वो ऐसी किताबों के खिलाफ है तो कितनी हंसी की बात है यार इसके मारे तुम एक लेखक के पीछे पड़ जाओ फिर उसने मुझे कहा दो थे ना वो ये छोटा वाला था बड़े वाले ने कहा कि ऐसा है जी आप गर्ग साहब को भेज दीजिए हमारे पास हम फाइल गायब कर देंगे मतलब ये था कि भी रिश्वत दे दें मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है हम अदालत में जाएंगे तो फिर वो कहने लगा कि अच्छा मुझे ये बात पता थी मुझे मलिक साहब ने बता दी थी मैंने कहा नया कानून बनाया है कि पुलिस खुद बेल दे सकती है कहते हैं आपको पता है मैंने कहा जी मुझे पता है मेरे नाना वकील थे मेरे पिता वकील थे मुझे अच्छी तरह पता है कहने ने ठीक है आप किसी को बुला लीजिए वो बेल मतलब वो बेल हम दे देंगे वो बेल भर देगा मैंने कहा मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ कहते नहीं प्लीज़ एक और और औरत को मत बुलाइए <laughs> वो इतना डर गया था तब तक क्योंकि उसने मुझे कहा हम आपको गिरफ्तार करने आए मैंने कहा मतलब कि हम आपको अरेस्ट करने लाए हैं मैंने कहा तो मुझे पता है आप अंदर बैठिए मैं चाय बनाती हूँ चाय पीजिए क्योंकि मैं जाने वाली नहीं हूँ कहीं मैंने कहा अरेस्ट कैसे करेंगे कि हवालात ले जाएंगे मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं और मैंने कहा देखिए मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ इस वक्त क्योंकि मेरे पति हैं नहीं दिल्ली से बाहर गए हुए मेरे दोनों बच्चे पिक्चर देखने गए हुए में नौकरोकर है नहीं और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो आप चुपचाप बैठे हो सब्ज़ी ना जल जाए कहीं और अगर आप चाय पीना चाहते हो तो मैं चाय बना देती हूँ आप चाय पीजिए फिर मैं आपसे बात करूँगी मैंने कहा आप अगले हफ्ते आइएगा कह हैं हम पुलिस वाले हैं मैंने कहा कि जो भी वाले हों आप तो खैर फिर वो इस बात पर आ गए अपनी उन्हें भी लगा कि उनका अच्छा बेवकूफ़ बन रहा है तो उन्होंने कहा अच्छा आप किसी को बुला लीजिए तो मैंने मकान मालिक को बुला लिया ये बड़ी भाई गलत ही थी तो मकान मालिक आके उनसे कहने लगा कि आप औरतों से डरते हैं अगर कोई मर्द होता है तो आप इस उन इसको इन, उस मर्द को अभी हवालात ले जाते कहते अच्छा वो बोला पुलिस वाला वो भी खुरहट होते हैं आप मकान खाली करवाना चाहते हैं आप क्या सोचते हम आपका साथ देंगे हम किराएदार के साथ होते हैं हमेशा तो बेचारा डर गया उसने दे दी बेल ऐसे बेल हुई मतलब क्या प्रहसन है क्या नाटक है ये कोई तरीका है ये न्याय का तरीका है कानून का तरीका है अच्छा हर बार वो जो चीफ सेक्रेटरी थे वो मुझे कहते थे हाँ वो तो फाइल वापस ले ली बड़ी भारी हमसे गलती हो गई फिर वो फाइल प्रकट हो जाती थी मतलब वो उनकी तरफ से वापस हो गई फिर प्रकट हो गई फिर वापस हो, हो, हो गई फिर प्रकट हो गई बिल्कुल काफका का वो था ये उपन्यास इनकी जो सारी प्रक्रिया थी फिर वो जब वो अरेस्ट हो गया मामला अरेस्ट हो गए जब वो सिंघवी साहब से मैं मिली मैंने मतलब वो भी क्या मिली उन्होंने मुझे कहा चीफ सेक्रेटरी ने उनके साथ लीगल सेक्रेटरी भी थे कि आप अगर किसी वकील से आप किसी वकील को जानती हैं मैंने कह दिया हाँ मैं अलम सिंघवी को जानती हूँ जानती वानती नहीं थी मुझे सिर्फ ये पता था कि वो हिंदी में बात करते हैं कोर्ट में भी अदालत में भी वो हिंदी में बात करते हैं तो कहने लगे अच्छा आप अगर उनसे एक पत्र ले आए लीगल ओपिनियन उनकी कि ये मतलब गलत है मुकदमा जो हो रहा है तो हम इसको गवर्नर के पास ले जाएंगे और सिर्फ वही अभी इसको वापस ले सकते हैं क्योंकि अदालत में जा चुका है मैंने कहा ठीक है ले आऊँगी तो चीफ सेक्रेटरी मुझे क्या आप पागल हैं क्या एल एम सिंघवी कभी भी अनसोलिसिटेड लीगल ओपिनियन नहीं देंगे मैंने कहा आपको कैसे पता तो मैं गई मैंने मेरे ससुर तब हॉस्पिटल में थे अगले दिन उनका निधन भी हो गया तो मेरा एक देवर है सबसे छोटा उसको मैंने कहा तू मेरे साथ चल तो मैं गई वहाँ पे मैंने पता क्या रिपोर्ट अखबार में देखा कि सिंघवी साहब कहाँ प्रकट होने वाले हैं आज तो एक वो कहीं सेमिनार में थे तो वहाँ मैं गई तो वहाँ मैं जब वो मंच पर ही थे तो मैंने एक रुका भेजा कि आप जब नीचे आए तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है तो वो नीचे आया तो उनका क्या बात है उन्हें बताया वो कहने लगे आप पागल हैं क्या आप अदालत में जाएंगी तो बिल्कुल शर्तियाँ आपको सज़ा हो जाएगी क्योंकि हमारे सारे जज औरतों के खिलाफ होते हैं आप घर चलिए मैं अभी आपको ब्रीफ लिख के देता हूँ वो आप गवर्नर के पास भिजवाइए वो मुझे अपने घर ले गए उन्होंने उपन्यास पढ़ा हुआ था तो कम से कम वो पढ़ने की जरूरत नहीं हुई उन्होंने सारे वो जैन जी वगैरह के वो मंगवाए और उन्होंने वहीं पर बैठ के बनाया मुझे दिया कहता है आप ले कर चली जाइए तो उस दिन रात के मेरे ख्याल से ग्यारह बजने के करीब थे तो मैं पहुँची हुआ चीफ सेक्रेटरी के यहाँ तो उसने कहा था किसी वक्त भी आप आ जाइएगा कोई भी रात का वक्त भी हो आप फ़ोन करके आ जाइएगा मैं गई तो वो बैठे हुए थे ऑफिस में जो भी कारण रहा होगा वो लीगल सेक्रेटरी साहब भी थे कि तो मैंने कहा ये सिंह सिंघी साहब ने दिया तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखें कि, अच्छा आप उन्हें इतनी अच्छी तरह जानती है मैंने कहा हाँ जी पैदा ही साथ साथ हुए थे फिर वो रात को गवर्नर के पास गए लीगल सेक्रेटरी जगमोहन गवर्नर थे सुबह साढ़े नौ बजे कोर्ट में केस आना था सवा नौ बजे जाके उन्होंने केस वापस लिया ये उसकी कहानी है जो कोई नहीं जानता क्योंकि मैं हजार बार भी इसको सुना दूंगी तो वो इसको देंगे नहीं छापेंगे नहीं तुम भी शायद ना सुनाओ क्योंकि लोगों को ये कहने में मजा आता है कि भाई इन्होंने ऐसा उपन्यास लिखा था कि उस पर केस हो गया ये कोई समझना नहीं, नहीं चाहता कि किस कदर किस कदर क्या बतला कहूँ उसको अश्लील था जो हुआ उपन्यास अश्लील नहीं था जो सब कुछ हुआ वो किस कदर अश्लील था और बदेश था वो कोई जानना नहीं चाहता विमर्श का अपने यहां तो ये हाल है कि अगर आप छीके स्त्री हो तो स्त्री विमर्श दलित छीके तो दलित विमर्श मुसलमान छींकें तो अल्पसंख्यक विमर्श विमर्श क्या होता है जानते हैं विमर्श क्या होता है अपने यहां को कोई विमर्श है स्त्रीवादी कोई विमर्श है स्त्री विमर्श तो कुछ होता ही नहीं वो तो व्याकरण की व्याकरण उसका गलत है स्त्रीवादी विमर्श होता है कोई है हिंदुस्तान में कोई स्त्रीवादी विमर्श है मुझे बतलाओ किसने किया है? दो नाम बतलाओ कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं है हमारे यहाँ स्त्री स्त्रीवादी आंदोलन है कि स्त्री को अधिकार होने चाहिए जो पुरुष को होते हैं बस कोई विमर्श नहीं है किसी किस्म का कभी कभी मैं कर लेती हूँ कट में मैंने थोड़ा किया है मगर विमर्श नहीं है विमर्श से कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का एक बार एक जगह बात हो रही थी वह बन रहा था उसमें सबको बुलाया गया था तो मुझे भी बुलाया गया वही श्रीवादी विमर्श पर बात करने के लिए तो मैंने एक बात कही कि मैं मातृत्व को बहुत बड़ी शक्ति मानती हूं क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जिसमें या या आप एक अन्य जीव को बिना बाहरी मदद के जीवित रख सकते हैं नौ महीने गर्भ में और बाद में दूध पिलाकर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जहां जिसके द्वारा ये किया जा सके तो उन्होंने कहा ये विमर्श हुआ तो उन्होंने दलित भी बैठे थे वहाँ तो उनसे पूछा भाई आपके यहाँ कोई ऐसा है माँ के बारे में कोई अलग अवधारणा है आपके आपके यहाँ बोले हाँ जी हमारी माँ बिल्कुल फर्क होती है वो काम पर जाती है वो वही काम करती है जो बाप करता है उन्होंने कहा नहीं मैं विमर्श की बात कर रहा हूँ भाई तो विमर्श का तो ये हाल है मतलब जो कुछ आप करते हैं वो विमर्श होता है मतलब दलितों पर शोषण हुआ भाई ये शोषण हुआ ना दलितों का शोषण हुआ ऐतिहासिक रूप से ये विदित सर्वविदित है कि दलितों का जबरदस्त शोषण हुआ ये तो ठीक है अब दलित विमर्श में अगर ये आए कि शोषण क्यों हुआ उसके ऐतिहासिक कारण क्या थे और उन ऐतिहासिक कारणों में क्या गलत था क्या सही था और अब उन ऐतिहासिक कारणों को उल्टाया कैसे जा सकता है पलटा कैसे जा सकता है तो वो विमर्श हुआ वो कुछ लोग करते हैं अगर सिर्फ आप ये बतलाएं कि दलितों के साथ ये ये हुआ तो वो तो विमर्श नहीं हुआ वो तो इतिहास हुआ तो अपने यहां विमर्श का ये हाल है आप जो कुछ भी करें वो आप स्त्री चेतना की बात कर सकते हैं कि भाई स्त्रियों में चेतना आई है कि वो इंसान है उतनी ही इंसान है जितना पुरुष वो भी कोई खास इंसान तो है नहीं मगर जितना है कम से कम वो उतनी इंसान तो जरूर हैं या उससे कुछ ज्यादा हैं मगर जो बाहर पश्चिम में जो क्रिश्चियन समाजों में जो स्त्री विमर्श हुआ आया उसका पहला पायदान ये था कि ईश्वर उनके यहाँ पुरुष होता है सबसे पहली बात ये थी उस धर्म से उनको इनकार था जिसमें ईश्वर पुरुष हो वो कहते थे कि भाई स्त्री भी पुरुष स्त्री भी ईश्वर हो सकती है और पुरुष भी और स्त्री भी दोनों मिलकर ही ईश्वर बनते हैं हमारे यहां तो ये पहले से है तो हम किससे लड़ रहे हैं हम तो सिर्फ इससे लड़ रहे हैं कि स्त्री के साथ अन्याय होता है स्त्री के साथ बलात्कार होता है यह अन्याय है शोषण है विभत्स है हिंसा है क्यों होती है ये इसका कोई पता करने की कोशिश करता है इसके लिए तो आपको पुरुष के मनोविज्ञान में जाना पड़ेगा ना मैं कहती हूं कि बढ़ रहे हैं जो उसके बलात्कार के केसेस वो तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पुरुष में हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त हीन भावना है हर हिंदुस्तानी पुरुष हीन भावना से ग्रस्त है तो जैसे स्त्री आगे बढ़ती हुई दिखती है उसके पास एक ही उपाय है उसको काबिज करने का और वो है बलात्कार तो वो वो करता है उसमें हीन भावना क्यों है उसकी पड़ताल कीजिए हम गुलाम रहे अरसे तक हर पुरुष अपने बॉस से पिटकर आता था मतलब जूते से पिटकर ना आता और जबान से पिटकर आता था जब वो पिटकर आता था तो उसके पास एक ही तरीका था अपनी हीन भावना को कम करने का या अपनी भड़ास निकालने का वो ये था कि अपनी पत्नी पर कोई या पीट ले या उसका प्रताड़ना प्रताड़ना कर ले या कुछ भी कर ले क्योंकि वो वहाँ होती थी उसके पास मौजूद थी तो वही वो, वो करता था और उससे पहले भी गुलाम होने से पहले भी पुरुष जो ये करता था तो मातृत्व से डर कर करता था हमने मातृत्व को महिमा मंडित तो किया फिर वो डर गया पुरुष कि अरे भैया ये तो बड़ी शक्ति अब क्या होगा तो उन्होंने फिर ये मिलजुल कर ये तय किया कि स्त्री माँ तभी बने तो महिमा मंडित होगी जब वो किसी पुरुष को विधिवत पिता बनाए अगर बिना शादी के बिना विवाह के विवाह से पहले विवाह के इतर मां बनती है, तो वो कलंक है इस तरह से उसको अंकुश में रखा गया तो ये उसका इतिहास है वो आप जानिए ये कहने का क्या फायदा है कि भाई वो हो गया अब वो उसका कुछ सिर्फ यही बोलते रहते हैं ना कि उसका केस नहीं किया उसका ये नहीं किया उस सजा नहीं हुई वो सब भी के कहना चाहिए वो सब आंदोलन का हिस्सा है विमर्श का हिस्सा नहीं है तो विमर्श की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए वो हमारे यहाँ कहीं आता ही नहीं एक छोटा सा कम दिमाग वाला हिस्सा है समाज का जो हमेशा होता था पहले वो सास बहू के किस्से करती जिंदगी गुजारा करती थी आपस में लड़ती हुई फिर के पास प्रेशर कुकर है बड़ा मेरे पास छोटा है मतलब जो भी वो दाल बढ़िया बनाती है मेरी कम बनती है या उसकी बढ़िया बनी तो उसमें मैंने थोड़ा नमक मिला दिया राजन जात के उपन्यास में वो मिला देती है ना नमक नई बहू के खाने में मतलब ये सब करती हुई चलती थी रहती थी अब उनको घर के बजाय वो सोशल मीडिया मिल गया मुझे कोई ख़ास फर्क नहीं लगता उसमें उन औरतों को भी काफ़ी वो जो औरतें थी उनको गांधी जी ने मैनिसपेट कर दिया था उनसे कहा भाई आजादी के लिए लड़ रहे हैं आ जाओ वो आ गए तो उस तरह से अगर कोई बड़ा काम होता है तो ये बेवकूफ़ औरतें भी आ जाती हैं भाई कोई हो तो सही कोई आप सामने रखें तो सही योजना कि भाई इसमें आ जाओ काम करो अब किसान आंदोलन में आ गई नहीं सारी औरतें बूढ़ी औरतें जवान औरतें सब तरह की औरतें आंदोलन कर लें वो क्या बहुत ज़्यादा जहनी औरतें हैं आम औरतें हैं ना तो ये तो ये तो मुझे कुछ आपको मिल गया अच्छा पुरुष क्या कर रहे हैं पुरुष भी यही कर रहे हैं वो अजीब ऐसी किताबें लिख देते हैं सतही सी फिर खुद ही अपनी तारीफें डाल देते हैं सोशल मीडिया में कि मेरा बेस्ट सेलर हो गया किसी ने लिखा मेरा लुकदी साहित्य में मेरे को इतनी हंसी आई मैंने कहा पहली बार मैंने देखा है कि कोई खुद ही अपनी किताब को लुकदी साहित्य बोले और खुश हो यही वो करते हैं यही इस करते हैं दोनों का ही इमेनिसिपेशन नहीं होना ऐसे होता नहीं है इमेनिसिपेशन चाहते भी नहीं है वो खुश हैं हम ही दुखी हैं हम ही दुखी हैं वो खुश हैं और उन इमेनिसपेशन जिनका होगा उनका होगा हो रहा है आप देखिए कि कम पढ़ी लिखी औरतें तरह तरह के व्यवसाय कर रही हैं स्टार्टअप्स कर रही हैं दफ्तर में काम करती हैं बढ़िया काम करती हैं पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं कॉलेज में स्कूल में ज़्यादा नंबर लाती है। कर हैं करेंगे जो कुछ करना है ये थोड़ा सा छोटा एक भाग है हमेशा से रहा है इस तरह के सतही दिमाग वाले लोग हमेशा से रहे हैं अगर एक घर में आप देखें पांच बहुएं हैं तो एक ही कुछ जहीन होगी बाकी चार यही करते हुए ज़िंदगी गुजारती हैं इसमें कोई बात नहीं है इसमें कोई डरने की बात नहीं है अब उनको मिल गए हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार के माध्यम मिल गए तो उनको इस्तेमाल कर रहे घर में रहती तो तरह तरह की सब्जियां बनाती हैं और कहती कि तेरी ख़राब बनी है मेरी बढ़िया बनी है भाई ठीक है अभी भी तो कितनी रेसिपीज चलती रहती है फेसबुक पर बना बना के डालते रहते हैं बताते रहते हैं आपको मोटापा कैसे कम करो खुद खूब मोटा होते हैं मतलब बहुत चलता है ये सब वो तो सब ठीक है चलता है हिंदी साहित्य का फ्यूचर बहुत अंधकार है सिर्फ इसलिए कि हिंदी पढ़ता कोई नहीं हिंदी साहित्य कोई नहीं पढ़ता बहुत कम लोग पढ़ते हैं साहित्य ही बहुत कम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान में जो पढ़ते हैं नए जो नई पीढ़ी है वो अंग्रेजी का लुग्धी साहित्य पढ़ती है बढ़िया साहित्य नहीं पढ़ती पल्प फिक्शन पढ़ती है चेतन भगत पढ़ती है या ऐसे ही कुछ और लोग पढ़ती है और जब गंभीर साहित्य ही नहीं पढ़ते तो जो लोग गंभीर साहित्य पढ़ते हैं वो हिंदी का नहीं पढ़ते क्योंकि हिंदी आती नहीं क्योंकि हमारी उच्च शिक्षा हिंदी में नहीं होती क्योंकि हमें रोजगार के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम विज्ञान गणित वगैरह सब अंग्रेजी में पढ़ते हैं हिंदी में नहीं पढ़ते तो ये कभी ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं धीरे धीरे हिंदी बोली बनकर रह जाएगी हम बोलेंगे चुटकुले सुनाएंगे उसमें गाने गाएंगे फिल्में बनाएंगे साहित्य नहीं लिखेंगे तो हिंदी साहित्य का भविष्य बहुत अधिकारमय है जब तक कि कोई ऐसी क्रांति ना हो जाए कि रोज़गार में हिंदी जानने से आपको ज़्यादा पैसे मिले अभी ऐसा नहीं होता अभी तो आपको अंग्रेज़ी जानने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं और भाषा वही कामयाब होती है जो रोज़गार की भाषा हो सिर्फ भावना की भाषा होने से कुछ नहीं होता आज दुनिया भर में अंग्रेजी क्यों चलती है ब्रिटेन की वजह से थोड़ा चलती है अमेरिका की वजह से चलती है हालांकि अमेरिकन को आती नहीं है अंग्रेजी उनकी भाषा भंडार उनका इतना छोटा होता है उनके लिए हर चीज़ इनक्रेडिबल होती है अनबिलीवेबल होती है ऐसे दो चार शब्द आते हैं उनको मगर क्योंकि वो अमेरिकन वो सुपर पावर है क्योंकि व्यवसाय पर उसकी पकड़ है सारी दुनिया के व्यापार पर उसकी पकड़ है वो रोज़गार देता है वो लोगों को पैसा देता है इसलिए उसकी भाषा चलती है खूबसूरती की वजह से थोड़ा भाषा चलती है फ्रेंच की नहीं चलती जब यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन में अंग्रेजी आ गई फ्रेंच के बजाय तो क्या बात बनी लगाव से भाषा नहीं चलती भावना से भाषा नहीं चलती बढ़िया होने से भाषा नहीं चलती वो कैबलरी ज़्यादा होने से भाषा नहीं चलती व्याकरण बढ़िया होने से भाषा नहीं चलती किसी तरह भाषा नहीं चलती उसको रोजगार की भाषा होना पड़ता है व्यवसाय व्यापार की भाषा होना पड़ता है ताकत की भाषा होना पड़ता है सत्ता की भाषा होना पड़ता है तब भाषा चलती है तो अपने यहाँ तो कहीं इतनी खुल गई वो वर्धा में खोले हिंदी महा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय मैंने तभी अशोक वाजपेयी से कहा कि वही अगर आप भी वही पढ़ाएंगे जो सब पढ़ाते हैं तो फायदा क्या हुआ आप अपने यहाँ मौलिक काम करवाइए हिंदी में विज्ञान पर गणित पर सामाजिक विज्ञान पर दर्शन पर इतिहास पर तब तो बात बनती है नहीं तो ये वही विषय आप पढ़ा रहे हैं जो सब पढ़ा रहे तो कोई वही हुआ, हिंदी में कोई मौलिक काम हुआ है कोई करना चाहता है और करे करके भी क्या करेगा वो पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एक जर्नलिज्म पर कोर्स शुरू किया तो पता नहीं क्यों उन्होंने एक बार मुझे बुला लिया फिर तो दोबारा कभी बुलाया नहीं तो उसमें जो लोग आए थे कैंडिडेट कहना चाहिए तो उनका आखिर में एक साक्षात्कार होना था उसके बाद उनको चुनना था उस कोर्स के लिए तो उसमें एक लड़की थी बहुत ही जहीन बहुत ही जहीन मतलब नाकाबिल बया, बयान मगर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी वो हिंदी में बतला रही थी सब कुछ तो मैंने कहा इसको लेना है तो बाकी जो चार पांच लोग थे उन्होंने कहा नहीं उसको अंग्रेजी नहीं आती मैंने कहा आप अंग्रेजी का कोर्स कर रहे हैं क्या आप तो पत्रकारिता का कर रहे हैं ना तो अंग्रेजी का तो नहीं कर रहे आप तो अंग्रेजी से क्या लेना देना है तो दो तीन घंटे तक हमारी लड़ाई होती रही एक तरफ मैं एक तरफ वो चार पांच लोग और वो लड़की बेचारी इतनी तंग आ गई थी जब उससे प्रश्न कर रहे थे उसने कहा जी रहने दीजिए मैं कहीं और ले लेती हूँ कुछ मैंने कहा नहीं तुम यहीं लोगी और यहीं आओगी फिर मैंने कहा कि मैं आपको गारंटी करती हूँ चाहे तो दस्तखत कर देती हूँ तीन महीने के अंदर ये लड़की आपसे बढ़िया अंग्रेजी बोलेगी अंग्रेजी बोलने में क्या है सीख लेगी और सब ऑडियो से सीखते हैं आजकल तीन महीने में वो सीख लेगी तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसका दाखिला किया अगले साल वो टॉप की अच्छा तुमने ये जो अपने फेमस मनोहर सिंह जो अभिनेता थे उनका नाम तो सुना ही होगा जो एन में थे वो अब शिमला से आए ऑडिशन के लिए अपना दाखिले के लिए तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, थी तो उन्होंने कहा नहीं हम तो आपको नहीं दे सकते दाखिला उन्होंने कहा भैया नाटक तो मुझे हिंदी में करना है यहाँ तो आप नाटक हिंदी में करते हो ना एन में तो अंग्रेजी का क्या करूँगा मैं तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको दाखिला नहीं दे सकते उसमें तो अंग्रेजी जानना होता है वो फैक्ट मतलब छात्र की तरह तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप सिर्फ एक मौका दे दीजिए छह महीने बाद मेरा दोबारा ले लीजिएगा साक्षात्कार और जो भी प्रश्न पूछ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है क्योंकि वो उनके पिता बहुत मशहूर अभिनेता थे शिमला के और जो भी था तो उस वजह से मान गए वो छ महीने बाद आए उन्होंने हैमलेट में से पन्ने के पन्ने वर्बेटम उचार दिए तो उन्होंने कहा ठीक है इनको तो अंग्रेजी आ गई पता है ये चला बाद में कि वो रट के आ गए थे <laughs> उन्होंने अंग्रेजी सीखी नहीं थी अभी नहीं था थे अब रट दिए बोल दिया था उन्होंने अभी उन्होंने खुद बतलाया उन्होंने खुद बतलाया और उन्होंने कहा कि मैंने नीमी जी से पूछा जब उनका ये उनको फेलिसिटेट किया था तो उन्होंने बोलना था तो कहते मैंने नेहमी जी से पूछा कि क्या मैं अंग्रेजी में बोलूँ नेमी जी ने हाथ जोड़ दिया कि भैया रहने दो हिंदी में ही बोलना तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया फिर उन्होंने मुझे दाखिला दे दिया मतलब तो अंग्रेजी जानने से उस आदमी की सहनीत का कैसे पता चलता है मतलब तो मैं दो भाषाएं जानती हूं तो मुझे दोनों में सृजन करना अच्छा लगता है और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी में लिखने से बहुत लोग पढ़ लेते हैं मुझे क्योंकि बाहर के लोग तो हिंदुस्तान के लेखकों को कम ही पढ़ते हैं जब तक वो हिंदुस्तान की बुराई ना करें आम मतलब मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो या सामाजिक उपन्यास हो तो वो क्यों पढ़ेंगे उसको नहीं पढ़ते वो मगर हमारे ही लोग पढ़ते हैं जैसे बंगाली लोग पढ़ते हैं अब बंगला में ज़रूरी नहीं है कि वो अनुवाद हो उसका तो अंग्रेज़ी में हो जाता है तो पढ़ते हैं तो बस इतना भर होता है इसलिए मैंने अपने एक दो उपन्यासों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और कुछ कहानियों का भी किया और जर्मन वगैरह में अनुदित हुई हैं तो उन्होंने पढ़ी हैं और उन्होंने पढ़ी ही नहीं है उन्होंने बेहतर समझा है ये मैं मानती हूँ कि जो भी बाहर विदेश में, में मेरी चीज़ें पढ़ी गई हैं वो बेहतर समझी गई हैं हिंदी साहित्य के बनस्बत मगर ये पाठकों की बात नहीं है ये बात आलोचकों की है पाठकों ने तो यहाँ भी समझा ही होगा मैं उनको पाठकों को कुछ नहीं कहना चाहती और दूसरी बात यह होती कि ये भाषा से खिलवाड़ है आप एक भाषा से खेल चुके तो दूसरी भाषा से खेलने का मज़ा ले रहे हैं भाषा बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है उसमें आप तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं और उसमें बहुत मजा आता है अब जैसे मैंने सारी उम्र हिंदी गद्य लेखन किया मगर कविता मैं अंग्रेजी में लिखती थी वो अंग्रेजी में ही मेरे पास आती थी और मैं उसे अंग्रेजी में लिखती थी जब से कोविड फैला है मैं हिंदी में कविताएं लिख रही हूं अब ये क्यों हुआ मैं नहीं जानती मैंने शुरू में दो कविताएं लिखी तो मैंने इनको भेज दी समालोचन वो अरुण देव है वहां कोई अब भाई लेखक का है है मैंने सोचा मेरा नाम जानते ही होंगे तो मैंने कहा मैंने ही दो कविताएं लिखी हैं मैंने उन्हें भेज दी उन्होंने एक पंक्ति में मुझे जवाब दिया ना अभि ना संबोधन अभिवादन तो बहुत दूर की चीज़ है एक पंक्ति में उन्होंने लिखा कम से कम दस कविताएं भेजें बस मैं सोचने लगी अगर मैं संपादक होती और जैनीन जी मुझे कविताएं भेजते हो सकता है मुझे उन्हें लौटाना पड़ता मगर मैं प्रणाम करके लौटाती मैं कहती प्रणाम जैनीन जी आपने मुझे कविताएं भेजी मैं कृतकृत्य क्रत हुई मगर मुझे कृपया दूसरी कविताएं भेज दीजिए ये मैं नहीं करती कभी भी नहीं करती कि न प्रणाम ना अभिवादन ना न ना नाम न ना संबोधन कुछ नहीं एक पंक्ति में आपने लिख दिया दस कम से कम दस कविताएं भेजें पहले पहल तो मेरे मन में आया पागल है क्या कौन दस कविताएं लिखेगा अब मैं बीस लिख चुकी मैंने कहा इसका श्राप फल गया अब क्यों लिखी है मैं मैंने नहीं जानती सिवाय इसकी कि मैं बहुत उद्वेलित हुई बहुत ज्यादा उद्वेलित हुई जो कुछ भी कोविड में हुआ बीमारी से नहीं जो कुछ हुआ बाकी चीजें जो हुई जिस तरह से वो मजदूर बेघर हुए जो भी इनकी नीतियां हुई उन सब से बहुत मैं उद्वेलित हुई जैसे मैं अब किसान आंदोलन से बहुत उद्वेलित हो रही हूँ घर में मुझे बोलते हैं तुम बेवकूफ़ हो मगर उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो कविताएं मैंने लिखी और हिंदी में लिखी एक भी कविता मेरे पास अंग्रेजी में नहीं आई एक दो कविताओं का मैंने अनुवाद जरूर किया अंग्रेजी में मगर हिंदी में ही लिखी और मुझे लगता है इसकी वजह से मेरा वो संस्मरण रुका पड़ा है क्योंकि वो जब मैं बैठती हूँ संस्मरण लिखने आगे बढ़ाने तो एक कविता सूझ जाती है तो मैं वो कविता लिख लेती हूँ तो ये क्यों हुआ समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी उसका तो कारण साफ था वो सब प्रेम कविताएं थीं और बहुत पर्सनल थी एक दो को छोड़कर वो भी बहुत त्रासद थी जैसे एक टू माय सन कविता थी या एक लेसरेशन कविता थी ऐसी कविताएं थी जो बहुत त्रासद थी उसके अलावा वो सब प्रेम कविताएं थी तो वो मैं अंग्रेजी में लिखती थी तो अब जो मैंने हिंदी में लिखी एक भी प्रेम कविता मतलब जैसे बारिश से प्रेम पर है <laughs> ऐसी है मगर किसी पुरुष से प्रेम पर नहीं है कविताएं वो तो ये अपनी कुछ स्थितियां होती हैं संयोग होते हैं मन का उद्वेलन होता है तो भाषा से खेलने में बड़ा मजा आता है मैं मेरा मन इसीलिए तो मैंने उर्दू के शब्द कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने शुरू किए खेलने में मजा आता था कटाक्ष जब मैंने लिखा सात साल तक तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो कटाक्ष है जो व्यंग है जो तंज है वो उर्दू में बेहतर आता है तो इसलिए मेरी कटाक्ष में उर्दू शुरू हुई फिर वो आती गई कई रचनाओं में आई तो उसी तरह वो अंग्रेजी में खेलने में अंग्रेजी से खेलने में मजा आता है देखो इतनी कहानियों में से कितनी कहानियां मैं चुनू टे कहानियां बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एक सोचती हूँ तो दूसरी सामने आ जाती है मगर फिर भी मैंने चार कहानियाँ मन में सूझी और उस दिन सब कहानियों में ख़ास बात यह है कि कोई बड़ा विचार है बड़ा कैनवस है उसका जो है परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं उस क्रोनोलॉजी में बतलाती हूँ तुम्हें सबसे पहली कहानी तो है विनाश दूत, जो मैंने गोपाल भोपाल गैस त्रासदी के बाद लिखी थी और उसका शिल्प बहुत एक फंतासी है कि उसका पहले नाम था कालिदास का विद्रोही मेघ इस नाम से वो बतौर लेख सारिका में छपी थी उसका एक हादसा अंक निकाला था मुदगल जी ने मेरे ही कहने पर उसमें वो छपी थी फिर मेरा मन शांत नहीं हुआ वो मेरे मन में बहुत उद्वेलन हुआ था मुझे भोपाल गैस से मेरी आवाज़ चली गई थी तो उसके बाद फिर मैंने ये फनतासी लिखी विलाश दूत तो ये है कि जो मेघ है उससे कवि कहता है कि मेरा संदेश ले जाओ प्रेयसी के पास वो मना कर देता है कहता है मैं तेरा तुम्हारा संदेश प्रेयसी के पास कदाब नहीं ले जाऊँगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बस कुछ दूरी पर भोपाल है और फिर वो बतलाता है भोपाल गैस के बारे में और बतलाता है सब के वो क्यों हुआ इस तरह से जो उन्होंने केमिकल्स बनाए अमरीका ने कि एक विकसित देश किस तरह से एक केमिकल युद्ध छेड़ता है अविकसित देश के साथ हथियार बनाकर नहीं उसको मदद देकर उसके यहाँ फैक्ट्री लगाकर जिसमें वो केमिकल बनाता है और फिर अंत में वो जो कवि है वो उसकी आवाज़ चली जाती है वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो तब तक वहाँ तक पहुँच चुका है गैस का असर और वो एक आखिरी लाइन बोलता है कि हमें कुछ मोहलत दो हम सब ठीक करेंगे इस तरह से वो कुछ बोलता है बस उतना भर बोलने की चाहता है वो कि वो बोल पाए मगर वो वो भी नहीं बोल पाता मगर उसी समय वो जो बादल है जो मना कर रहा था उसका संदेश ले जाने के लिए वो कमरे में पनाह लेता है उसके और उसके ऊपर बरस जाता है तो बस उतना ही पानी उसे मिलता है तो ये कहानी जो है ये पूरी जो इस पूरे उस पर है मतलब ये वैश्वीकरण पर और जो जिस तरह से एक देश दूसरे देश का शोषण करता है पर्यावरण पर सब पर है और बिल्कुल छोटी सी कहानी है तो ये फिर मैंने पहले हिंदी में लिखी फिर अंग्रेजी में लिखी फिर अंग्रेज़ी में वो वहाँ फिक्शन इंटरनेशनल में अमेरिका में छपी और जिसने छापी उसने मुझे लिखा कि जितना वक्त जितनी देर मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था मैं रो रहा था वो अमेरिकन था उसको अपराध बोध हो रहा होगा ये पहली कहानी है मेरी प्रेर दूसरी कहानी निजी एकदम निजी टाइप की है वो प्रसव पर है उसका नाम है वो मैं ही थी और नामवर जी ने तो फतवा ही दे दिया था कि स्त्रियां कसब पर नहीं लिखती क्योंकि वो उनमें बुद्धि नहीं होती उनमें हिम्मत नहीं होती वगैरह वगैरह तब मैंने उनसे कहा था कि अपनी बिल्कुल अंतरंग बात लिखने में हम कतराते हैं ख़ासकर स्त्रियां इतनी अंतरंग बात हम लिखकर सबके सामने नहीं रखना चाहते इसलिए नहीं लिखते मगर ये प्रसव पढ़ लिखी गई थी और उसमें एक ख़ास बात यह है कि वो मेरा अपना अनुभव है सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि कहानी में औरत मर जाती है और मैं मरी नहीं बाक़ी सब वही है और मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अपनी कहाँ की कहानी लिखती ऐसे तो कहीं नहीं होता मैंने कहा ऐसे हर जगह होता है हिंदुस्तान में वो मैंने बताया था ना मेरी हेड ने कहा था हस्बैंड शुड हैव प्लेस यूटिलिटी तो हर कस्बे हर गांव में ऐसा ही होता है स्त्री का जब प्रसव होता है तो उसके पास कुछ डॉक्टरी मदद होती नहीं है और जो सबका एक रवैया होता है वो ये होता है कि अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं चली जाती मैं तुम तो वही उसमें है, है। और उसका उसके शिल्प पर तो इन्होंने सुखदेव सिंह ने पूरा लेख लिखा था कि कैसे वो एक औरत एक पलंग पर मरी है बच्चा जन्मते हुए और दूसरी औरत फिर उसी पलंग पर बच्चे को जन्म दे रही है और वो कहती नहीं इस पलंग पर मैं नहीं जन्म दूंगी कुछ भी उठा के मगर इस पर नहीं दूंगी और फिर वो अंततः मर जाती है जन्म देते हुए तो एक तरह से ये एक औरत की कहानी नहीं है ये हर औरत की कहानी है जो हमारे देश की हर औरत की कहानी है। ये एक मेरी प्रिय कहानी है और इसको लिखने में मुझे बहुत समय लगा था बहुत मतलब लिखते वक्त समय नहीं लगा था इसको लिखने की हिम्मत जुटाने में मुझे बहुत बहुत साल लगे थे अविनाशूर्ट तो एकदम लिखी गई थी उन्नीस में अंत में तो हुआ था वो कांड उन्नीस में ही छप गई थी फिर मेरी एक प्रिय कहानी है 21वीं सदी का पेड़ और अजीब बात यह है संयोग है कि वो पहली जनवरी 2000 को छपी थी अक्षर पर्व ने एक विशेषांक निकाला था उसमें वो छपी थी उसके बाद तो खैर वो जर्मन में आई अंग्रेजी में आई कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और वो मैं एक पेड़ गिरा था हमारे घर के पास एक बूढ़ा बड़ा पुराना पेड़ जिसका एक हिस्सा काट कर मैं अपने घर में सजाया हुआ भी है तो वो पेड़ जब गिरा तो मेरा जो मेरी जो कहानी है उससे प्रेरणा मिली मुझे उस कहानी में जो नायक है वो एक बड़ा बूढ़ा पेड़ है और जिसकी मौत होती है वो एक जवान पेड़ है जो आंधी में उखड़ जाता है और आंधी में क्यों उखड़ जाता है क्योंकि उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है चारों तरफ सीमेंट डाल के उसका जो कच्चा हिस्सा है वो बंद किया गया है और फिर उसमें एक और किरदार है वो एक चिड़िया है जो चीन से आई है मालूम होगा तुम्हें कि चीन में एक जमाने में ये फतवा जारी हुआ था कि सब चिड़ियों को मार दो क्योंकि वह अनाज खा जाती हैं तो एक चिड़िया बच बचा कर चीन से हिंदुस्तान आ जा गई है वो अपनी कहानी सुनाती है और ये पेड़ कहते हैं इतने बेवकूफ़ हुक्मरान उन्हें ये नहीं पता था कि चिड़िया अनाज तो कम खाती है कीड़े बहुत खाती है तो जब चिड़िया मारती तो कीड़े खा गए सारे अनाज तो ये वो कहानी है इक्कीसवीं सदी का पेड़ जो मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो उसका प्रेरणा स्रोत भी बहुत एक उस वक्त बहुत ही मुझे उस पेड़ के गिरने का दुख हुआ था और उसके साथ ही ये पूरा जो मंजर है उसका जायज़ा लेती है और उसमें सब बातें आती हैं मगर आती है एक ललित ढंग से हैं तो वो लेख नहीं है कहानी है और मतलब लोगों ने मुझसे कहा है कि बाकायदा रोना आ रहा था जब हम उस पेड़ के बारे में पढ़ रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पेड़ मरा है लग रहा था कि इंसान मरा है और फिर चौथी कहानी है जो मतलब जून तो 2014 में लिखी थी मगर अब मुझे वो हाल फिलहाल ही लगता है उसका नाम है सितम के फ़नकार उसमें एक ख़ासियत ये है कि ये भी हमारे यहाँ बार बार होता है कि बाढ़ बनाई जाती है मतलब लाई जाती है क्योंकि डैम को बचाने के लिए पानी गांव में छोड़ दिया जाता है तो ये एक ऐसा ही हादसा हुआ था 2012 में और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे तो उसका एक चित्र है मरते हुए लोगों का जो एक रसिक ने अपने खाने की मेज़ के पास लगाया हुआ है कहानी इस चित्र से ही शुरू होती है काफ़ी देर तक पता नहीं लगता है चित्र में क्या है एक औरत है जो उससे बहुत परेशान हो रही है उनके यहाँ मेहमान है और वो बार बार कह सोचती कि इसको यहाँ क्यों लगा रखा है चित्र फिर ये राज खुलता है और उसमें मज़ेदार बातें आ फिर मैं कह रही हूँ कि आखिरी वाक्य शायद कोई नहीं पढ़ता कि वो जो है वो शेफ़ है वो आदमी मतलब शेफ क्या है शौक क्या शेफ है तो वो एक गुर में कुछ बनाया है उसने और फिर वो कहता है एक वो सूफले बनाता है गुड़ में सूफले और उसका एक दोस्त है जो हिंदुस्तान के बराबर बुराई करता है ये अमेरिका में घटित हो रहा है और वो अपनी बीवी को उसने हिंदुस्तान में केरल के एक आश्रम में छोड़ा हुआ है क्योंकि उसे कैंसर है और वो आश्रम वाले कहते हैं कि हम नेचुरल तरीके से उसको ठीक कर देंगे तो वहाँ छोड़ रखा है उसके पास कोई नहीं है खुद नहीं गए काम के मारे जा नहीं सकते मगर वो कहते हैं उनका स्परिचुअल अप्रोच है वो उसको ठीक कर लेंगे बिना दवा बिना दर्द निवारण की उसको ठीक कर लेंगे ये सारी बातें हो रही हैं मतलब हर आदमी हिपोक्रेट है ये है उसमें मगर वो फिर अंत में पता चलता है वो बतलाता है कि ये वो फिर पूछती अंत में कि भाई ये यहाँ क्यों लगा रखा है आपने खाने के मेज के पास तो कहता है ना ध्यान से देखो ना वो देखो कितने लोग मर रहे हैं देखो वो गर्भवती है वो देखो वो नौ महीने की गर्भवती है वो भी मर रही है वो देखो वो बच्चा है वो देखो वो बूढ़ा है और ये कैसे क्यों आई थी बाढ़ वो बतलाता है क्यों आई थी वो कहते हैं तुम देखना नहीं चाहती उल्टी आती है जैसे जब गाड़ी रुकती है और लोग भीख मांगने आते हैं तो उनको उनसे मुंह फेर कर तुम केक ऑर्डर करती हो उसी तरह इसको देखकर उल्टी आ रही है और फिर कहता है कि जो मैंने रेसिपी जो मैंने बनाया सूफले बड़ी नाजुक डिश है पानी की जरा सी बढ़ी नहीं कि कोलैप्स हुआ वही डैम के साथ होता है तो एक वो रेसिपी है और एक वो इतना बड़ा डैम है उससे वो अंत होता है तो अगर वो वाक्य नहीं पढ़ेंगे तो उसकी जो खूबसूरती है वो हाथ नहीं लगेगी कि वो एक रसिक है गुर में शेफ है वो जिंदगी कहते हैं कितनी खूबसूरत बनाई है ये तो देखो फोटो है मगर लगती पेंटिंग है कला तो देखो ना असल चीज तो कला है ये देखो कितने लोग मर रहे हैं तो ये सितम के फनकार उनके लिए तो मैं तो वह तो बतला चुकी हूँ कि थोड़ा धीरज रखें यह ना सोचें कि हम दो उपन्यास लिख के शेक्सपियर बन गए मगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे वो तो सोचते हैं कि वो न भूतो न भविष्यती एक तो वो कभी पढ़ते नहीं पुराने लेखकों को तो वो मुंह पर कहते हैं कि हम हाँ, आज तक कोई प्रेम कहानी नहीं लिखी गई हिंदी में हम लिख रहे हैं वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो हमेशा छोटे रहेंगे जैन जी ने एक वाक्य कहा था जो मैंने अपना वो बना के ना जैसे कहते हैं कि हर एक का एक मंत्र होता है बांध लिया था ताबीज की तरह ता, अपने वहाँ पर जिस लेखक का तिरस्कार होता है वो बड़ा लेखक बनता है जिस लेखक को शुरू में ही पुरस्कार मिल जाता है वो खत्म हो जाता है तो ये लोग जो खुद को खुद ही पुरस्कृत कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कठिन है थोड़ा सा धीरे रखें कुछ किताबें लिख लें तब उनके बारे में अब फिर से पढ़ें तो समझ में आएगा कि दो चार तो बिल्कुल बेकार है जो ठीक है उन्हें छुपाए उन पर बात करें ये एक दूसरे को पुरस्कृत कर देते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं खुद अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं सोशल मीडिया तो है ही इसके लिए उपलब्ध फिर दोस्त हैं उपलब्ध तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है धीरज 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 धीरज